हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो वापस आप सभी का स्वागत है एक बार और अन अकेडमी के चैनल पे और वाइफ स्टडी पार्ट ऑफ अन अकेडमी। सॉरी पीसी पर कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग ऑडियो वीडियो जो है वो दोनों बिल्कुल क्लियरली जा रही है या फिर नहीं जा रही है। ओके आई होप अब हम लाइव हैं और हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फटाफट क्लास सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं दिव्या त्रिपाठी जैसा कि आपको पता और हमेशा की तरह हर संडे की तरह आज फिर मैं वापस सेम टाइमिंग पे आप लोगों के साथ यहां पे मौजूद हूं। मैं हूं दिव्या त्रिपाठी आपकी अपनी जीएस मेंटर और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं कलकत्ता हाई कोर्ट में, उसके साथ ही आप लोग को मेंटर भी कर रही हूँ। चलिए सेशन को एक बार यहाँ से मैं स्टार्ट देख लूँ एक बार लाइव हो गया या फिर नहीं हो गया है। ओके गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो भैया आपने जितने भी डिफेंस वाले हैं एसएससी वाले हैं आप जितने भी लोग हैं आप सबके लिए यहाँ पे जो अनअकैडमी की तरफ सबको पता है बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो रन किए जाते हैं। आपको अनअकैडमी का आपको ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पर जैसे ही जाओगे आपको देखोगे आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होती हैं। स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, प्लस पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपको अगर प्लस पे आना है, एग्जाम की सही से तैयारी करनी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो आपको कर रहे हो तो फिर आपको कहाँ पे आना पड़ेगा? आपको आना पड़ता है प्लस के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस मिलती है, आपको लाइव टेस्ट क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, आपके मॉक टेस्ट भी होंगे वहाँ पे। करना क्या आपको अनअकैडमी का ऐप आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपना मेल आईडी और ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है। फोन नंबर से अपना गोल आप जाओगे सेलेक्ट करोगे, गोल जाके आपके सामने का पूरा सिलेबस जो है ना वो खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे भी मैंने खुला है एनडीए का, एयरफोर्स वगैरह का, तो उसी तरीके से एस एस सी का, रेलवे का, जितना भी है वो बाकी एक साथ में खुल जाएगा और बहुत सारे कोर्सेज अंदर अवेलेबल होंगे। जिस भी एजुकेटर के साथ आपको पढ़ना है वो सारे एजुकेटर के साथ आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो सेशन को फटाफट पहले शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और वहाँ पे क्विजेज भी होंगे ताकि आपको सहूलियत हो जाए प्रिपरेशन करने में। चलिए तो अब जैसे ये देख पा रहे हैं यहाँ पे सीडीएसएफ के सीएपीएफ का जो एग्जाम है वो काफी पास में है। तो आप लोगों के लिए प्लान जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक साल के लिए और दो साल के लिए प्लान है, छह महीने का भी, एक महीने का भी और तीन महीने का भी प्लान है। तो आप अगर आप दो साल का लेते हो प्लान तो आपको पड़ता है कितना, 14,080 रुपए, और ये भी ईएमआई के ऑप्शन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप एक साल का लेते हो पड़ता है 9,680 रुपए। और यहाँ पे मेरा कोड इस्तेमाल करो दिव्या मैम का जो कि इस वाले पे लिखा हुआ है, ठीक है? दिव्या मैम का कोड इस्तेमाल कीजिए, आपको 10% का ऑफ मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी रहेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉम्बो ऑफर जो है वो भी चल रहा है आप सभी के लिए, जिसमें एसएसबी की जो प्रिपरेशन है वो भी साथ में रहेगी। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे सीडीएसएफ के सीएपीएफ आपके एसएसबी के लिए, जैसे आप कॉम्बो प्राइस पे जाते हैं तो कॉम्बो प्राइस पे जाते ही आपको प्राइस जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए ताकि आपके लिए आने वाले वक्त में क्या हो जाए, सहूलियत हो जाए। अब फटाफट आ जाते हैं इधर। अच्छा देवा मैम राम राम, राम राम अक्षय आकाश। ओके आई देवा मैम, अच्छा ओके ओके, हेलो 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 एवरीवन। अच्छा तुम मेरी क्लास और नहीं देखोगे, तुम्हें प्यार हो गया। चलो बढ़िया बेटा, तुम आराम करो एकदम अच्छे से। हाँ दानिशली, नवीन त्रिपाठी, पार्थ मंडल, रेंद्र, अतुल, नवीन, हेमंत, सुमन, लक्ष्मण, हिटलर दीदी, ओके पिंटू, ओके 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 ओके, चलिए फिर एक बार सेशन को, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग पहले सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बिग फैन, ओके दैट्स ग्रेट, आज ही पहले एक बार सेशन को जल्दी जल्दी पहले लाइक और शेयर कर दीजिए, तब जाके मैं आगे स्टार्ट करती हूँ ताकि सेशन को आप सभी के लिए मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा मॉक टेस्ट हो रहा है हमेशा की तरह हर संडे को, मैं मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने यहाँ पे हूँ, जिसमें आपके बायोलॉजी के भी क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के भी, साइंस के भी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पॉलिटी के भी सवाल है, सारे सवाल क्या यहाँ पे मिक्स तरीके से है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Which of the following is the purest form? अच्छा इसका स्पेलिंग गलत है, ये पूरेस्ट नहीं होता, it's a purest form. Hello. इधर ही हो गया, स्लाइड ही चला गया। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन क्या है? अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म की बात करें, कंडक्टर की बात कर रहे हैं हीट के कंपैरिजन में अदर ऑप्शन में, तो किस में आ जाएगा? लीड में आ जाएगा, राइट? क्या हो गया अपने आप, एक सेकेंड मुझे इंक जो है वो सेलेक्ट कर लेने दो। सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, जैसे कि आपको पता है ना, विच अमंग द मेटल जो लीड है वो प्योरेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, और कॉपर एंड एल्युमिनियम जो होता है गुड कंडक्टर होता है, और मर्क्यूरी जो होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है।
बहुत सारे बच्चों ने बहुत जल्दी जल्दी जवाब दिया है, पता है। अच्छा अब मुझे इतना बताना है तुम लोग को, ये स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विटामिन। क्या विटामिन जो होता है ये मिक्सचर होता है हाईली कंडेंस्ड पॉलीसाइलिक एरोमेटिक कंपाउंड का, या फिर ये सोल्युबल होता है कार्बन डिसल्फेट में, या सारा एनालिसिस इज यूज्ड इन डिटरमाइन द विटामिन केमिस्ट्री। अदरवाइज ऑल द अबव करेक्ट व्हिच इज मेंशनड हियर। फटाफट जवाब। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके इट्स डी, ऑल द अबव करेक्ट है ना। इसके बारे में जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी करेक्ट। देखो विटामिन जो होता है मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक लिक्विड का, जो कि हाई लिवेशियस होते हैं ब्लैक स्टिकी सोलेबल और कार्बन डाइसल्फाइड में, और कंपोज होते हैं हाईली कंडेंस्ड पॉलीसैलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने आपको समझा दिया है, ताकि जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी तो आप इसमें से आराम से रिवाइज कर पाएंगे। ओके चलो फटाफट अपने आप को एकदम जल्दी जल्दी टेस्ट करना शुरू करो, कॉपी और पेन लेके बैठो और मुझे बताना कि तुम लोग कितने मार्क्स आए हैं आज के मॉक टेस्ट में। ओके डाल्टन्स नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। इलेक्ट्रॉन्स इज एसोसिएटेड है डाल्टन नेम प्रोटॉन से, एटम से, या फिर न्यूट्रॉन से, विच वन? मैं आपकी क्लास में गर्ल्स नहीं आती क्यों? ए तुम लोग पहले पढ़ाई कर लो फिर बाकी चीजें बातें कर लेना, ठीक है? आई बताओ मुझे फटाफट। अरे कम ऑन यार, बचपन से पढ़ रहे हो, क्लास 7th 8th में कितनी बार पढ़ाया गया एटम एटम एटम, जॉन डाल्टन कितनी बार तो बताया गया, इंट्रोड्यूस द एटॉमिक थ्योरी केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करा है। मेन पॉइंट जो था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का वो क्या था कि एलिमेंट जो होते हैं दे आर मेड एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। ये जितने भी एलिमेंट्स मेड होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एटम्स के नाम से जानते हैं। नाउ एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, होते हैं मास, अदर प्रॉपर्टीज। ये तुम लोगों को पता है, सारी की सारी थ्योरी जनरल क्लास 7th 8th 9th तक में सबने पढ़ी होगी बहुत अच्छे तरीके से, उसको याद भी किया होगा केमिस्ट्री टीचर के डर से, है ना? मैंने भी याद किया था बचपन में। हमारी केमिस्ट्री जो पढ़ाती थी वो हमारी खुद की प्रिंसिपल पढ़ाती थी। चलिए, एटम्स कैन नॉट बी सबडिवाइडेड क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियोस टू फॉर्म द केमिकल कंपाउंड, इन केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइंड होते हैं, सेपरेट होते हैं और रीअरेंज्ड भी होते हैं। ओके अब मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव केमिकली, केमिकली इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, लिथियम या फिर आयोडीन? पीरियोडिक टेबल सबने देखा होगा, तो हल्का सा बस दिमाग की जरूरत है, बस बात खत्म। थैंक यू सौरभ। संदीप बोलिए। मतलब सिर्फ तन्वीर, जितना टाइम आप पढ़ाई के लिए लगा लगा के थक चुके होते हैं, थोड़ा सा उससे ज्यादा टाइम, और कह भी सकते हो थोड़ा सा कम टाइम में हो जाता है, ठीक है? और दिक्कत यहाँ पे ये है, जितने भी लोग यहाँ पे हमेशा की तरह बातें कर रहे हैं बेटा, दिक्कत यहाँ पे ये है कि गलती से मेरे माता पिता जो हैं वो थोड़े अच्छे दिखते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से जेनेटिकली आ गया है, अब पढ़ने आ जाए। हाँ जी, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं। ओके चल आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करें किसके बारे में, फ्लोरीन के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार कई बच्चों को सब पता है सीन क्या होता है, स्पेशली लड़कियां होती हैं, लड़कियां अपनी आईडी बना बना के यहाँ पे टेक्स्ट करती है, मैम आप ये मेकअप कर रहे हो, मैम ये कर रहे हो। बेटा आप पढ़ने पर ध्यान दे लीजिए, बाकी चीजों पर ध्यान हमें रखने दीजिए, ठीक है? चलिए, जितना पढ़ा रहे हैं आपके लिए पढ़ा रहे हैं। फ्लोरीन जो होता है मोस्ट एक्टिव होता है बिकॉज इट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात आई समझ में? देखो दो टाइप के लोग होते हैं, तुम कोर्ट में जाते हो तुम बहस करते हो, तो एक लोग वैसे होते हैं जो दूर बैठ के कह रहे होते हैं क्या, जब आपकी प्रोसीडिंग चल रही होती है कोर्ट में, अरे यार क्या बोल रहा है पता नहीं, शायद नहीं हो पाएगा कोर्ट की प्रोसीडिंग में। दूसरे लोग वो होते हैं जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग में, नोट डाउन कर रहे होते हैं कि अच्छा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमारे केस में अगले दिन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस पॉइंट को, है ना? कौन कौन से केस का रेफरेंस दे रहे हैं, केस स्टडी का, उसे हम काम कर सकते हैं। क्या है, अलग अलग टाइप की प्रजाति है। आप जो भी बातें बोलते हो, आप जो भी रिफ्लेक्ट करते हो, है ना, वो आपका कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है, मुझे नहीं बच्चा। चलिए आगे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कॉजेस द एसिड रेन? एसिड रेन किस ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है? देखा ना ताजमहल का कलर हल्का जो है फीका पड़ गया है, किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। आकाश चलो
क्या बात है, आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे, पता है आज इतने दिन से मैं तुम लोग की क्लास ले रही हूँ, लेकिन आज बहुत सारे बच्चे जो जवाब दे रहे हैं, आई एम फीलिंग रियली गुड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन कॉज होता है। बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब मुझे ये बताइएगा कि कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है वनस्पति घी बनाने में, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, N2NO2H2 या फिर NE, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाँ जी संदीप चौरसिया, कितनी बार नाम लूँ आपका, चलिए पीडीएफ मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, वेरी गुड, इज H2। वनस्पति घी जो होता है मैन्युफैक्चर होता है वेजिटेबल ऑयल से, वनस्पति घी का नाम सुना है ना, घर पे मम्मा इस्तेमाल उससे करती होगी। अब ये क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल से होता है, प्रोसेस का क्या, इसको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं, बाई पासिंग हाइड्रोजन गैस। वेजिटेबल ऑयल क्या कंटेन करता है बेटा, वेजिटेबल ऑयल कंटेन करता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अपॉन हाइड्रोजनेशन एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड टू फॉर्म वनस्पति घी। अच्छा एक बात बताना मुझे, डालडा जो बनता है, तुम लोग देखते हो रोड पे ना काफी डालडा का इस्तेमाल होता है जब तुम लोग समोसे वमोसे खाते हो रोड वाले, तो मुझे ये बताना डालडे में अक्सर आना किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल किया गया रहता है? जीवन जीवन, अरे ठीक है मैम घर से बाहर नहीं निकलते, वो क्या नहीं बेटा कोरोना चल रहा है नहीं निकलते हैं, ठीक है सो वेरी कूल बेटा, कूल होना पड़ता है, नहीं होंगे तो चलेगा नहीं। ओके ओके आगे बढ़े, आज डिफेंस वाले बच्चे किधर है भाई, पता है तुम लोग की वजह से क्या हो जाता है उनको ना। विच अमंग द फॉलोइंग गैस वाज लीक्ड, बहुत ही फेमस केस भी रहा है ये और आप सब इसके बारे में हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं जानते आ रहे हैं। सबसे फेमस गैस लीक जो हुआ था, याद होगा आपको भोपाल में, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, जिसके बाद होने वाले बच्चे ने भी उसका सफर किया था, आने वाले जनरेशन ने भी उस गैस ट्रेजेडी का सामना किया था उसकी वजह से, तो ये 2 या 3 दिसंबर को 1984 को हुआ था, वो कौन सी गैस लीक हुई थी, कौन सी गैस लीक हुई थी? आवाज ऑडिबल नहीं है? नहीं मैं माइक यूज नहीं कर रही हूँ, ऑडिबल हो गई शायद आप लोग को आवाज। इस गैस के बारे में कई बार आपने पढ़ा होगा, इवन न्यूज़पेपर में भी कई बार इसके बारे में जिक्र आया था, कई बार लोगों ने इसके बारे में, अब सुप्रीम कोर्ट में जब मुद्दे को उठाया गया था लोगों ने PIL तक फाइल की थी इसको लेके। ओके आई एम नॉट अ टीचर आई एम अ ब्यूटी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अभी पढ़ लो क्योंकि अभी मैं तुम्हारी टीचर हूँ यहाँ पे, राइट। मिथाइल आइसोनेट के बारे में बात कर रहे हैं, 2 या 3 दिसंबर की जो रात है, जो मध्य रात्रि रही थी 2 से 3 दिसंबर के बीच के 1984 में, यूनियन कार्बाइड सब्सिडियरी प्रेसाइड प्लांट जो हुआ था भोपाल में, वो गैस रिलीज हो गया था जिसमें कि 40 टन की टॉक्सिक मिथाइल आइसोनेट जो है वो गैस रिलीज हुई थी, और उसमें आपको पता है बहुत सारे पीपल एक्सपोज हो गए थे, जिसमें कहा जा रहा था गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से कि 4,000 लोग मरे हैं, लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा डेटा रखा गया था। वेरी गुड पंकज चंदन, वेरी गुड विटामिन, यार ये क्या नाम है विटामिन, नाम बताओ इतने तो कैसे पता चलेगा हमें। हाँ जी अब देखो यहाँ पे, ऑयल ऑफ मरबेन इज द मोस्ट कॉमन नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, किसको हम बुलाते हैं, फिनॉल चलोन, फेनोफेलीन या फिर नाइट्रोबेंजीन, विच वन, अपना फेवरेट नाइट्रोबेंजीन ना। देखो यहाँ पे बहुत पॉइजनस होती है, फ्लेमेबल होती है, जल्दी से आग पकड़ लेगी, कलर की बात करें तो हल्का पेल येलो में रहती है, लिक्विड एरोमेटिक कंपाउंड होती है जिसका ऑर्डर इज लाइक अ बिटर आलमंड कि जैसा इसका ऑर्डर रहता है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड द ऑयल ऑफ मरबेन ऑफ नाइट्रोबेंजॉल। देखो बहुत ही कॉमन साइंस का सवाल है आप लोगों के लिए, मैं बार बार कहती हूँ, चाहे कोई भी आप लोग एग्जाम की जब भी तैयारी कर रहे हो, तो ना चाहे कोई भी हो, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, सिचुएशन क्या होती है कि जब आप सवाल, जितनी ज्यादा आप सवाल अटेंड करते हो, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन देते हो, जवाब देते हो, आपको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है, इसी प्रैक्टिस के लिए कई बार आप कहते हो कि मैम यार नहीं हो पा रही सही तरीके से प्रैक्टिस, कहाँ से पढ़ाई करें कैसे करें, तो यहाँ पे क्या, और आप जितना ज्यादा सवाल अटेंड करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा, जहां नहीं आ रहा है डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़िए, कैलामाइन जो है इट इज एन ओर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, जिंक, कॉपर, मर्क्यूरी और आयरन, विच वन, वेरी गुड पार्थमंडल, पार्थमंडल ठीक है, तुम्हें बोले छो जिंक, किंतु जिंक के स्पेलिंग एक तो गलत छिलो। चलो जिंक जिंक जिंक, मोनोवर हुसैन भी कह रहे जिंक,
यार बोलू तुम ना मुझसे शादी की बात बाद में करना, तुम पहले पढ़ाई कर लो ठीक है? क्या है ना, पढ़ाई कर लोगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी तुम्हारे पास रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, देखते हो? अगर अकाउंट अकाउंट पढ़ लो सही तरीके से। तो यहाँ पे कार्नोच इज द मिनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, कार्नोच जो है इसमें से किसका मिनरल है? लेड, यूरेनियम, एल्युमिनियम या फिर आयरन? जनरल साइंस के सवाल है, छोटे छोटे सवाल है जो कि आपके रोजमर्रा में ऑलमोस्ट आते हैं, स्कूल लेवल तक के हैं ये पूरे के पूरे। एक बात बताओ, हर एग्जाम में तुम लोगों को यही सवाल, मैं एग्जाम बोलती हूँ, हर मॉक टेस्ट में तुम लोगों को यही सवाल पूछना होता है ना, मैम आप मैरिड हो, मैम आप मैरिड हो, देखो 10 का बी यूरेनियम। ओके चलो, कार्नोट विच इज एन ओर ऑफ यूरेनियम एंड कंप्राइज पोटेशियम, वेनेडियम, वाटर एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स सच एज कैल्शियम के साथ, बेरिनियम, मैग्नीशियम और आयरन सोडियम के साथ, वो येलो कलर का मिनरल होता है। आगे बढ़ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी कॉपी पेन हाथ में लेके, ये नहीं कि मैम पढ़ा रही और हम तो बस हाथ हाथ ऊपर करके बैठे हुए कि आ मैम पढ़ा लो, मैम क्या जा रहा है, हम भी बस ऐसे जवाब देते जाएंगे। बेटा कॉपी और पेन लेके बैठिए, देखिए आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, समझ में आएगा कि किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो वो आपका वीक पॉइंट होगा, आपको उसको पढ़ने की जरूरत है। राइट नाउ, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड? जल्दी बताइए फटाफट। और एक बात और, क्लास खत्म होने के बाद कोई भी ये नीचे कमेंट नहीं करेगा कि मैम ऐसे मैम वैसे। बेटा पढ़ने आए तो पढ़ने के लिए कमेंट कीजिए, अगर आपके एजुकेटर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं अप्रिशिएट कीजिए उनको, ठीक है? अगर आप ट्रोल करने वालों में से हो ना, स्पेशली लड़कियां हो या कुछ लड़के भी वैसे होते हैं जिनकी थोड़ा एस्ट्रोजन जो होती है लड़कों में थोड़ा ज्यादा आ जाती है कई बार, तो साथ बैठ के क्या होता है गप्पे शप्पे मारना शुरू कर देते हैं, तो बेटा अगर वो चीज करना है आपको तो एक काम कीजिएगा, प्लीज यहां मत कीजिएगा कमेंट। ओके, अरे यमराज तुम आइस बन जाओ मेरे लिए, बहुत बढ़िया। चलो अब तो मतलब तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम फटाफट। विद रेफरेंस टू द हेलोजन फैमिली ऑफ एलिमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। अब हेलोजन फैमिली के ऊपर आ जाओ, है ना? आप मुझे बताना कि हेलोजन फैमिली जो है क्या मोस्ट एक्टिव होती है, केमिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होती है? क्या हेलोजन जो होता है स्मॉल आइकॉनिक रेडियस के बराबर है? हेलोजन जो होती है इट्स अ फर्स्ट सम विजिबल मेटालिक प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर। अब मुझे ये बताना है आपको, एक करेक्ट सेट बताना है कि इनमें से कौन सा सही है प्रॉपर्टीज के हिसाब से, फ्लोरिन फ्लोरिन आयोडीन, आयोडीन फ्लोरिन फ्लोरिन, फ्लोरिन फ्लोरिन आयोडीन, फ्लोरिन आयोडीन और क्लोरिन। बचपन में याद है 9th 10th में बहुत डांट पड़ती थी इन चीजों के लिए। फटाफट जल्दी जल्दी, ए दीज आर वेरी चीजी लाइन्स है ठाकुर विवेक। कैन आई फॉलो यू बिकॉज मॉम सेड फॉलो योर ड्रीम? यस यू कैन फॉलो मी। जितने भी आपके सिलेबस हैं उनको कंप्लीट करा दिया जाएगा, फॉलो करेंगे तो आपके पॉलिटी के सिलेबस, जीएस के सिलेबस होंगे वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके, फ्लोरीन 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 आयोडीन। चलो आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आर यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग? अच्छा फटाफट एक काम कीजिए, पहले आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी जल्दी। ओके अच्छा एक बस ना मुझे कंफर्म करना, आप लोगों को वीडियो लैग कर रही है क्या या फिर सही तरीके से चल रही है वीडियो? एक बार प्लीज कोई कंफर्म कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत ऐसे परेशानी हो रही है, क्या वीडियो बफरिंग हो रही है, क्या वीडियो में लैग हो रही है वीडियो, तो प्लीज मुझे बता दीजिए ताकि मैं इसको ठीक कर पाऊँ एक बार। मतलब तुम लोग कोई नहीं बताने वाले हो, पता है ये तो मुझे एकदम एकदम गारंटेड पता चल चुका है, पूछते हैं जो लेकिन नहीं, इनको बस अपनी लगी पड़ी है सबको, लैग कर रही है। चलो वेट अ सेकेंड, सही है? ओके 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 ओके, थैंक यू। ओके अब वीडियो कह रहा था कि बाबा थोड़ी देर रुक जाओ उसके बाद बात करो क्योंकि इनका लगा रहेगा, इसीलिए ड्राई क्लीनिंग में क्लेंजिंग में अचीव बाय द एक्शन ऑफ द सॉल्वेंट
आप लोग फटाफट एक काम कीजिए, अनअकैडमी का जिनके पास ऐप है आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। वहां पे क्या होता है, जैसे आपके लिए जो ये सारे जितने भी कंडक्ट कराए जाते हैं, आप देख पा रहे हो ये मॉक टेस्ट वगैरह, तो वहां पे पोल का ऑप्शन रहता है। तो पोल का ऑप्शन रहने से क्या होता है, काफी सहूलियत होती है, आपको पता चलता है कितने मार्क्स जो है आप अटेंड कर पा रहे हो, आपकी रैंकिंग क्या रह पा रही है। नाउ ड्रैग फ्लूड सर्व एज अ व्हीकल टू कैरी अवे टू द सॉइल, ये सारी चीजें जो है आपको पता है। हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। आफ्टर न्यूक्लियर डिजास्टर द स्ट्रोनियम 90 बिकम एन हेल्थ इश्यू ऑफ द ग्रेट कंसर्न। अब इसका मेजर कंसर्न क्या था पर्टिकुलर आइसोटोप के बारे में? मैं आपकी बात को याद में रखते हुए आपके लिए IAS 2025 मिशन कंफर्म। शाबाश, वेरी गुड। 2025 का मिशन AIS बनने कंफर्म हो गया ना? ठीक है, मिलते हैं फिर। चलो ओके। सिंगल लोगों की क्लास नहीं है नालायक, पढ़ो तुम लोग पढ़ो। अच्छा बच्चा ओके सॉरी, अब आगे मैं पर देख लीजिए, ठीक है? बताइए फटाफट जवाब दीजिए मुझे, उसके बाद ही मैंने आगे बढ़ना है। यार सारे जवाब अगर मैंने देने तो फिर कैसे होगा? वेरी गुड। इट्स सी स्ट्रोंथियम 90 गेट्स डिपॉजिटेड इन बोन्स एंड बोन मैरो एंड कॉजेस कैंसर। ये है रीजन। यहाँ पे देखो मैंने रीजन जो है मैंने वहां पे डाल के रखा है, दैट एग्जिस्ट बायोकेमिकल बिहेवियर सिमिलर टू कैल्शियम द नाइट नेक्स्ट लाइट ग्रुप टू एलिमेंट्स। अच्छा क्लास को पहले लाइक करो तुम लोग फटाफट जल्दी से, और हमेशा कहती हूँ कि आपकी फैमिली जो है वो हमारी फैमिली से ज्यादा बड़ी है, आप लोग के साथ के बगैर हम वैसे भी कुछ नहीं है। तो इंस्टाग्राम पे आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप है, आपके फेसबुक पे जितने भी ग्रुप है, टेलीग्राम पे, प्लीज क्लास को वहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास पहुंच पाए। और जितने लोग यहाँ पे क्लास में भी हैं और देख रहे हैं, प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार। देखो अच्छा लगता है कि तुम लोग अप्रिशिएट करते हो चीज़ों को कि हाँ मैम पढ़ा रहे हैं, और हमारे जब पढ़ाने सबका जब सिलेक्शन होता है, आपको जब मदद मिलती है उसमें, तो उससे ज्यादा अच्छी चीज़ और कुछ नहीं होती है, राइट? आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है साबुन और सर्फ बोलो डिटर्जेंट के बारे में सही है। वाइल सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, या फिर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो होता है वो इंक्रीज कर देता है बाय एडिंग डिटर्जेंट एंड सोप, विच वन? एंड दिस इज सो कॉमन, जल्दी। फिर से बुक मिल जाएगा? हाँ जी बच्चा जरूर मिल जाएगा। मैम आपका गोली सिंह की बात सुन लो, गोलू सिंह की बात सुन लो। क्या सुन लो? देखो मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ अपने पल्लू से। ए हट पढ़ो। ओके ओके वेरी वेरी गुड। देखो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है ना, क्योंकि एडिशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट जो होता है डिक्रीज कर देता है सर्फेस टेंशन को, जबकि वहां पे क्या लिखा था कि इंक्रीज कर देता है, राइट? कुकिंग गैस जो होता है वो किस चीज से बना होता है? मीथेन, इथेन, इथिनिल, कार्बन मोनोक्साइड, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का भी जिक्र आ गया, समझ रहे हो? एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन, विच वन? हाँ बेटा पंकज आपको हिंदी में भी तो समझा रहे हैं। खाना पकाने के जो गैस का इस्तेमाल करते हो ना आप घर में, जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, जो कुकिंग गैस होते हैं, उनमें क्या डाला हुआ होता है आपको पता है, बहुत स्मेल वगैरह भी आती होगी आराम से, है ना? तो आपको क्या लगता है कि वो एलपीजी की गैस का स्मेल होता है? जो आपको स्मेल आती है तो पता चलता है, मम्मी कहती है क्या कहती है, अरे लगता है कि गैस लीक हो रहा है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि गैस में वो स्मेल जो होता है वो ऐड किया जाता है, स्मेलिंग एजेंट क्या होता है, ऐड किया जाता है। क्लास को फटाफट आप लोग 1000 लाइक तक पहुंचाइए, तो पहले जल्दी जल्दी, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे संजू तुम दुखी हो गए, जवाब क्यों दे रहे हो? बेटा आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे ही डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पे भी। जय श्री राम, जय महाकाल कालेश्वर। बहुत अच्छे, गलत हो गया तो सही भी हो जाएगा, सीख रहे हो ना तुम लोग, अभी सही भी हो जाएगा। देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। इनमें से मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ और बता रहा है मैं किसके बारे में बता रही हूँ। वैसे कहते ना कि एक बार बहुत पहले एक मीम चला था, राजू था छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा नंद, अरे तुम वही नंदू हो जो बाजू वाले पड़ोस के घर में था, छोटा सा था नन्हा सा था, तो फिर आइडेंटिफाई करते थे तुम, अच्छा कौन सा नंदू की बात हो रही है। कुछ वैसे ही हम किसके बारे में बात करें बताना। इट वॉज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड विद द
स्पेक्ट्रोस्कोप, जो पहला एलिमेंट था जिसको स्पेक्ट्रोस्कोप से डिस्कवर किया गया था, ये जो होता है ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है और रिएक्ट करता है वॉलेंटली जब वो वाटर के कॉर्डिनेशन में मतलब कॉन्टेक्ट में आता है. सो इट इज केप्ट अंडर द लेयर ऑफ केरोसिन और मिनरल ऑयल. ये बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है. इट इज द सॉफ्टेस्ट नोन मेटल ऑन अर्थ, बहुत सॉफ्ट रहता है. बताओ बताओ बताओ, ऐसा अलग चाकू से काट दो वाला. बताइए किसके बारे में बात कर रहे हैं हम. अरे अरे अरे, सीजियम सीजियम, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे. सीजियम द फर्स्ट एलिमेंट होता है जो कि डिस्कवर किया गया था स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा. सीजियम द सॉफ्टेस्ट नोन मेटल होता है अर्थ पे, लिक्विड के फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर में, सिंस इट रिएक्ट वॉलेंटली विद द वाटर, इसलिए इसको केरोसिन तेल के अंदर डाल के रखा जाता है स्टोर करके अच्छे तरीके से. नमस्ते नमस्ते. जितने मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत है. यार एक बात बता दो यार, तुम लोग जो पढ़ा रही हो तुम लोग क्लास को शेयर क्यों नहीं करते हो. ओके चलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, वाटर ग्लास और सोडियम सिलिकेट. तुम लोग पेयर बनाने में तो बड़े माहिर हो, तो इसका भी जरा पेयर बना के बताना मुझे. वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट, मोहर सॉल्ट फेरस एनोमियम सल्फेट, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब बताइए इनमें से कौन सा सेगमेंट जो है वो सही है, पहला और दूसरा, या सिर्फ तीसरा सेगमेंट सही है, या दूसरा या तीसरा, या पहला दूसरा या तीसरा, विच वन. अरे बचपन का प्यार, इट वॉज नॉट बचपन का प्यार, इट वॉज बचपन का प्यार. देखो कितना फेमस हो गया ना वो लड़का. यमराज गुड वन. हाँ यमराज से डरो, कोई भी मैम से शादी की बात नहीं करेगा. आ ग्रेट वन. हाँ दीपक वही तो, और पास तुम लोग को होना भी है, सिलेक्शन तो लेना भी है ना तुम लोग को. नहीं बेटा कोई पर्सनल कोचिंग नहीं है, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है, बिल्कुल यही पे ऑनलाइन क्लास है. आप लोग आ सकते हैं अकेडमी के, आपके ऊपर वहां पे आपको दिख जाएंगे सारे जो क्लासेस होते हैं सब आपको मिल जाएंगे एक जगह पे. ओके वेरी गुड. चलो अब बताना मुझे सॉफ्टेस्ट मेटल, दोबारा वही सवाल है, प्लीज लीव इट. हाँ देखो यहाँ पे आप मुझे एक चीज बताना कि डिफरेंस क्या होता है, ये साबुन और सर्फ जो डिटर्जेंट होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे बताएंगे आप सभी. डिटर्जेंट जो होता है क्या कार्बनिक कंपाउंड होता है और एल्कलाइन नहीं होता है. सोप जो होता है वो फैट से बना होता है, चर्बी से बना होता है और एल्कलाई होता है. सोप बायोडिग्रेडेबल होता है जबकि डिटर्जेंट जो होता है वो नॉट बायोडिग्रेडेबल, मतलब तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. विच वन. अरे गोनू सो स्वीट ऑफ यू. कपड़े धो लूंगा. नहीं बेटा अभी वॉशिंग मशीन है, मैं धो लेती हूँ. खाना बना दूंगा. हाँ दैट इज रिक्वायर्ड यार, कभी कभी मतलब वो कर देती है, आती नहीं है मेड, लेकिन उसके लिए यार शादी करनी पड़ेगी, खाना बनाने और कपड़ा धोने. चलो मजाक कर रही हूँ, लीव इट. बट वो सो स्वीट ऑफ यू, बहुत स्वीटेस्ट प्रपोजल था अब तक का. चलो ओके आ जाओ फटाफट बताओ इसका जवाब दो. अभी अभी तुम सोचोगे तुम लोग एग्जाम निकाल लोगे, और एग्जाम निकाल के आगे जब बोलोगे कि मैम आपने जो पढ़ाया था मैम उसकी वजह से बहुत मदद मिली मैम, और मैंने एग्जाम निकाले, मैंने सिलेक्शन निकाल लिया, सोचो कितनी खुशी होगी. उसे मैं ना बोलूंगी अरे वाह बच्चा मैं शाबाशी ना दूं तुम लोगों को ना. बहुत जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि भैया आपको पता ही सोप के बारे में आपको पहले ही बताया था कि सोप जो था एनिमल फैट से बनाया जाता है और वेजिटेबल ऑयल का भी उसमें मिश्रण होता है. आपको मैंने बताया था ना कि पिछली क्लास में आपको बता रही थी कि आपने देखा होगा कि मंदिरों में जहाँ पे तालाब होते हैं जिस मंदिर के पास, वहां पर लिखा होता है कि यहाँ पे सर्फ और साबुन का इस्तेमाल वर्जित है. कई बार मंदिरों पे लिखा हुआ रहता है, मंदिरों के पास लिखा रहता है जहां पे तालाब होते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें जानवर की चर्बी का इस्तेमाल होता है और वो हमारा मंदिर है. मंदिर में क्या होता है, हम सारी चीजें जो होती हैं हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, मंदिर के आसपास भी नॉनवेज का नामो निशान तक नहीं. तो सबसे ज्यादा चर्बी किस जानवर में होती है, सबसे ज्यादा फैट जो होता है किस जानवर में होता है, पिग में होता है, राइट. तो उसका फैट का इस्तेमाल जो होता है कई बार वो किया जाता है सोप की प्रिपरेशन में. चलो अब डिटर्जेंट के बारे में जहां तक बात करें, डिटर्जेंट जो होता है वो हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है कोल से और पेट्रोलियम से, जबकि सोप जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, डिटर्जेंट जो होता है नॉट बायोडिग्रेडेबल होता है, राइट. अब मुझे ये बताइएगा आप इसमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज ऑल्सो नोन एज विथड्रॉल ऑफ क्ले, विच वन.
जल्दी जल्दी एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट, जिंक सल्फेट, कॉपर कॉपर सल्फेट, विच वन? ये तुम लोग 9th 10th में आया हो, ये सारे सवाल पता इतने बेसिक हैं। अरे विभु शुक्रिया, अरे अरे ममता 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 अग्रवाल। आप लोग जहां से जिस स्टेट से मुझे स्वीकार कर लेंगे उस स्टेट के हो जाएंगे हम, क्या फर्क पड़ता है? कहते ना जहां दिल मिल गए बस वहीं से इंसान का वास्ता हो गया। हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम सल्फेट के बारे में। अच्छा नहीं किया ना, टैलेंट है, समझ रहे हो? एल्युमिनियम सल्फेट के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं विथड्रॉल ऑफ क्ले, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इज मेनली यूज्ड टू फैसिलिटेट एजेंट इन द प्योरिफिकेशन। अच्छा जल्दी से सेशन को आप लोग 1000 लाइक तक कर दीजिए, पहुंचा दीजिए, 1000 लाइक तक पहुंचा दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी मुझे लाइक चाहिए। अरे तुमने इंस्टाग्राम पे ढूंढ भी लिया, इंजीनियर। तुम लोग बड़े तेज हो, ब्लू आईज तुम लोग को दिख रही है ना, मतलब छोटे से लैपटॉप से कैमरे से तुम लोग को ब्लू आईज भी दिख रही है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बता रहा है आप लोगों को कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है यूज एज केमिकल एजेंट इन वॉर, बताओ बताओ। मस्टर्ड गैस, फर्सोजिन, सैरिन या फिर VX, विच वन? नीचे कोड दिया हुआ है, इस कोड को सेलेक्ट कीजिए, मुझे बताइए कौन सा जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है वॉर गैस के तौर पे। जॉब निकलने के बाद थोड़ी ना बोलेंगे, सीधा शादी का प्रस्ताव भेज दूंगा। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है मैम, कर लो ना शादी, वर्ल्ड टूर करवा दूंगा। अच्छा ओके बढ़िया। जल्दी जल्दी यार, तुम लोग क्या लग रहे थे, मम्मी बहू मिल गई है, बहू मिल गई है, आपकी बहू टीचर है, ये क्या होता है? मम्मी को बोलो हाँ मम्मी, जिस बहू को मैं लाने का सोच रहा हूँ ना, मम्मी वकील है, वकील है। तो मम्मी वैसे ही घबरा के बोलेगी वकील नहीं ले क्या रे बेटा, घर में रहने दो बेटे, तुम देख लो दूसरी, सीधे सीधे। फिर मम्मी कहेगी बेटा अच्छा पढ़ा रही है, बेटा पढ़ लो, पढ़ती क्यों नहीं हूँ कभी मैम के साथ अच्छे तरीके से। केमिकल वेपन जो है पुअर मैन इन बॉम्ब, दिस कॉजेस द कैटास्ट्रोफिक डैमेज जो होता है और बहुत इजी होता है प्रोड्यूस करने में। सारिन जो है इज कलरलेस एंड ऑडरलेस एजेंट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके एंटामेकस इन 2013। अच्छा चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। मुझे ये बताना कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो होता है एक्सपेंड ऑन कूलिंग, सिलिकन, जर्मेनियम या फिर सोडियम, विच वन? अच्छा इसके साथ मुझे एक जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि तुम लोग के जो एसी में जो गैस इस्तेमाल होता है ठंडा करने के लिए, वो कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है, कूलिंग एजेंट के तौर पे कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपका एसी हो चाहे आपका फ्रिज हो, राइट? शुक्रिया शुभम। नहीं बेटा हम टिकटॉक नहीं बनाते हैं, टिकटॉक जो है बैन हो चुका है चाइना के द्वारा, तुम लोग भी टिकटॉक और रील्स पे ध्यान कम दो और अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, समझे? सब सब दिखावा है दुनिया का, सब मोह माया है, कुछ नहीं करोगे नहीं होने वाला है। वेरी 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 गुड, इट्स वन एंड टू, बोले तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों का दोनों। ओके आगे बढ़ो। अब मुझे बताना है आपको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर मैं कोल बेड मिथेन के बारे में बात करूं तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? क्या वो स्वीट गैस के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लैक करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को एंड इट कंटेन्स अ लिटिल हेवियर हाइड्रोकार्बन सच एज द प्रोपीन और ब्यूटेन? अब बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है यार, कब क्यों कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग कभी कभी इतना। अब बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रू अबाउट सॉलिड्स? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के? काइनेटिक एनर्जी बड़ा है, डिक्रीजिंग फॉर्म में ज्यादा बड़ा है, छोटा है? बताओ फटाफट मुझे जवाब दो। अच्छा मैं पढ़ाऊंगी तो आइस क्रैक कर लोगे, वेरी गुड, तो जरूर पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे आपको, फिर बचपन का प्यार मिल गया। ओके डन, बचपन वाला थिंग।
सब आप देखने में बिजी हो, कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ाने में बिजी हैं, कभी ना कभी आपको हमारी मेहनत दिखाई देगी और कहेंगे हाँ मैम बढ़िया, चलो आगे बढ़ो। विच वॉट इज द बॉडी कॉल्ड, वॉट इज द बॉडी कॉल्ड विच डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू रिकवर इट्स ओरिजिन कॉन्फिगरेशन ऑन द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। आप बताइए इसका जवाब दीजिए। क्लास 7th 8th में कई बार ये सारे सवाल से आपका क्या पाला पड़ चुका है। कंफ्यूज मत हो छोटी छोटी सी चीजों को लेके। थैंक यू अंशालम। अच्छा सेशन को ना फटाफट आप लोग पहले लाइक कीजिए, तो जल्दी जल्दी 1,000 लाइक तक पहुंचाइए। ये इतने तक आके क्यों रुक गया है? टिंडर पे हो? अरे नालायको, तुम लोग को पढ़ने के सिवाय सारे साइट के बारे में पता है, जो साइट हम लोग सीरीज वगैरह में सुनते होंगे ना उनके बारे में। देखो प्लास्टिक के बारे में अगर बात करें, प्लास्टिक डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, राइट? अगर तुम रिफॉर्म कर देते हो ना उसका अपना जो फोर्स से रिफॉर्म करते हो उसका अपना स्ट्रक्चर, तो वापस से सेम तरीके से नहीं हो सकता है ना। पैराफिन वैक्स हो गया, वेट क्ले जो होता है, ये क्लोजेस्ट एग्जाम्पल होता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का। जाने भी नहीं जाने। अरे यार तुम लोग ना। ना व्हाट इज द स्ट्रेस नोन एज व्हेन देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वेरियस लेयर ऑफ सॉलिड? आप बताइएगा उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दो फटाफट, ताकि आपकी सफलता शोर मचा दे। आय शाबाश। हाँ सही सुजीत दास। अरे नालायक को पढ़ लो काम आने वाला है। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे सक्सेसिव रेज होता है, सॉलिड का मूव करता है अदर साइड पे व्हेन देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है वेरियस लेयर ऑफ द सॉलिड एंड दैट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। मुझे बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट हुक्स लॉ, उसका जो लॉ है इनमें से कौन सा उसको रिप्रेजेंट करता है? क्या स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेन से, या फिर स्ट्रेस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेन में, या फिर स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बेटा देखो एक तो होते हैं ट्रोल जिनके जीवन में कोई काम धाम होता नहीं है, तो करते क्या है सीधे चलो भैया बैठ के टांग खींचते हैं, मैम ये मैम वो। बेटा तुम ना हो ना बेटा, जीवन में थोड़ा सा ध्यान दे लो बेटा, एज निकल जाएगा तो बहुत पछताओगे, लिख के दे रही हूं मैं। चलो इस लॉ के अकॉर्डिंगली विद इन द इलास्टिक लिमिट जो होता है स्ट्रेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेन से, देयरफॉर स्ट्रेस स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट होता है व्हिच इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो व्हाट डू वी कॉल द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, है ना, जो बॉडी में जो स्ट्रेन जब प्रोड्यूस होता है, जब व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है एक चेंज इन इट्स शेप एंड विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यूम। लाइनर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन या फिर थर्मल स्ट्रेन, विच वन? जल्दी जल्दी जल्दी, एक सवाल में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, एक सवाल में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। अरे एक्चुअली मैं आज खड़े होके ही पढ़ाने वाली थी, मैंने थोड़ा सेटअप किया था लेकिन सेटिंग में थोड़ी सी देर हो गई। अगले संडे खड़े होके ही पढ़ाएंगे। लाइक दिस सेशन। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। ठीक है विजय भान मौर्य, अभी पढ़ लीजिए, चलिए आ जाइए अभी सब आप लोग पढ़ लीजिए, स्वीट स्वीट से बच्चे हैं यार। अरे अनीश थैंक यू। हाँ करना पड़ता है ना बच्चा, प्यार से भी डांटना पड़ता है उसे। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल? जल्दी जल्दी जल्दी। करंट अफेयर्स की भी क्लास में आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ, जिसमें कि सारे जितने भी करंट अफेयर्स होंगे आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे,
सबकी जो क्लास है वो आप लोग के लिए बहुत जल्दी में लेके आने वाली हूँ, ठीक है? तुम लोग पढ़ोगे तब तो। अगर ऐसे, पता है कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत स्वीट है, बहुत प्यारे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ क्या करना होता है, ट्रोल करना होता है घर में बैठे हुए, क्या करे। देखो एक टाइप का, एक इंसान होता है जो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता है, हर चीज में सकारात्मक चीजें ढूंढता है कि अच्छा ये चीज अच्छा हो रहा है, हाँ मैम ये अच्छा लग रहा है, ये सही है, सीखते हैं चीजों को। कुछ लोग कैसे होते हैं पता है तुमको, कहीं पे अगर कुछ हो भी रहा हो स्क्रीनशॉट लेना बंद करो तुम लोग और बातों को सुनो, पीडीएफ तुम लोग को प्रोवाइड करा दी जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को क्या होता है, कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो उसमें भी कमी निकालेंगे, इतने नेगेटिव होते हैं क्योंकि खुद की जिंदगी में इतने नेगेटिविटी है कि उससे निकल नहीं पाते हैं और सामने वाले को भी पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि निकालना क्या है, कमियां निकालनी है, क्या निकालनी है, नेगेटिविटी बोलनी है। बेटा ऐसा आप नहीं पढ़ पाएंगे आगे, सुन लीजिए, हमारे लिए कोई लॉस की बात नहीं है, हम आ रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं, आप नहीं पढ़ेंगे आपका लॉस है, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ जाइए फटाफट जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप अगला जो है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट नहीं है। राज्यसभा के रिगार्डिंग, राज्यसभा जो होती है परमानेंट बॉडी होती है, इट वॉज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 अप्रैल 1952। अब तुम आ जाओ सीधे कितने, तुमको हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं और अभी तुम लोग हम पॉलिटी भी मिक्स करके पढ़ाने वाले हैं। कितने जो नालायक बच्चे होते हैं जो खाना नहीं खाना पसंद करते हैं, तो उनको ना मम्मी क्या करती है, अलग अलग टाइप की सब्जियां ना एक अच्छे से पिज्जा विज्जा बना के दे देती है। पिज्जा भी कैसे बना देंगी, आटे का बना के रख देंगी। चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो इसमें से करेक्ट नहीं है। राज्यसभा के बारे में आपको पता है हमारे टू हाउसेस है, राइट, लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जल्दी 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 जल्दी, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी ईयर। ये स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है बेटा, ये जो है ये डिसॉल्व नहीं होती है। फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स एंड राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, इट्स नॉट, ये डिसॉल्व नहीं होती है, टेम्पररी बॉडी नहीं है। It was duly constituted for the first time in 3 April 1952. 12 of Raj Sabha member are nominated by the president. अगला सवाल आप लोगों के समक्ष ये रहा और हाजिर है। Which among the following is a constitutional body is appointed by the president? हर 5 साल में, ताकि review करेंगे center, state और financial relationship को। बताइए। आप लोग उसका जवाब दीजिए तब तक। चलिए 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 जल्दी 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 जल्दी, यस इट्स फाइनेंस कमीशन जो इंडिया के वो एस्टैब्लिश की गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 280। देखो तुमसे कोई भी पूछता है, तुम कोई भी जब स्टेटमेंट देते हो, मैं क्यों कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई करो, एक तुमने एक संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा होगा कि राजा की जो पूजा होती है, जो एक राजा होता है, राजा की पूजा उसके देश में होती है, जो जहाँ का शासक है, जहाँ का राजा है, उसकी पूजा सिर्फ वहीं पर होती है। विद्वान सर्वथा पूज्यते, विद्वान की पूजा हर जगह होती है, उसका कोई बाउंड्री नहीं रहता कि विद्वान की पूजा बस उसके देश में होगी, विद्वान जहां जाएगा ना वहां उसकी पूजा होगी। क्या है, तर्कों के साथ अगर आप बात करते हैं, नॉलेज के साथ अगर आप बात करते हैं, हर जगह में आपको ऊपर रखा जाता है। ये देखो एक कॉल आया है मेरे पास, तो ये मुझे क्या मैसेज कर रहे हैं, करमबीर सिंह, कि आपके हस्बैंड का कॉल आ रहा है। बढ़िया बेटा, बहुत ध्यान है तुम लोगों का बहुत सारी चीजों में, आगे आ जाओ इधर थोड़ा सा। इन टर्म ऑफ पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी व्हाट डू वी कॉल अ रूल ऑफ अ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अंडर व्हिच द फर्दर डिबेट ऑन मोशन कैन बी स्टॉप्ड। खूबसूरती का राज ये बेटा कि माता पिता थोड़े से अच्छे दिखते हैं इसी वजह से। थैंक यू अभिजीत। बेटा विकल्प को हिंदी में करने का था लेकिन यहाँ पे एक्चुअली स्पेस नहीं बच रहा था इसलिए नहीं कर पाए थे। यहाँ पे बात करें किसके बारे में, क्लोजर के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जाइए, देखिए यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने समझा दिया। समापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सदन के बहुमत के निर्णय से बहस को समाप्त किया जाता है। क्लोजर क्या होता है, हम क्या कहते हैं, चलो अब क्लोज कर दो, अब क्लोजर कर दो, केस का क्लोजर कर दो, खत्म कर दो, राइट।
तो बिल्कुल वैसा ही तरीके से बात करें, गैलोजिन का तात्पर्य जो अध्यक्ष द्वारा बकाया प्रश्न व्यवसाय से संबंधित प्रश्नों को चर्चा के लिए आवंटित समय की समाप्ति को हाथ में रखना होता है। अब मुझे बताना कि किस साल में पार्लियामेंट ने पास किया था सिटीजनशिप एक्ट। बेचारे सुमन जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबको, कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार डाउन करो, मतलब बेचारे कोई काम नहीं, पढ़ना नहीं है, वो आए सबको बोलने के लिए। लगता है बेचारे एक टाइम पे कई बार गम खाए हुए इंसान है, तो आगे कह रहे हैं डिसलाइक करो डिसलाइक करना है। बेचारे कब से बोल रहे हैं, मैं 2 घंटे से सुन रही हूँ उनकी बातों को। अरे ओम प्रकाश, ब्रेकअप कर लो, किससे ब्रेकअप कर लो, जवाब जल्दी जल्दी। जल्दी 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 लाइक और शेयर फटाफट। 1955 के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट क्वालिफाई परमानेंट लॉज फॉर सिटीजनशिप एंड पुट दिस ऑनर्स इन पार्लियामेंट, और यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिकल 10-11 पार्लियामेंट इनेक्ट करता है सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता, वो जो कानून था मैंने कई बार आप लोग को पढ़ाया है। जल्दी 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 ना, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा फॉर स्टेट, को पता है एक चीज, जो लोग नफरत भी करते हैं या नेगेटिव बातें भी करते हैं, बट आप भूल रहे हैं कहीं ना कहीं आप भी उनमें से फैन हैं और आप लगातार सेशन को बहुत देर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर नफरत करते हैं तो छोड़ के जाओ, सेशन में क्यों बैठे हुए हो। राहुल, सिटीजनशिप के एक्ट के बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, प्लीज अन अकेडमी डिफेंस कोड पे जाइए, वहां पे पॉलिटी की मेरी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, उसमें जाके चेक कर लीजिए। मैंने पूरा का पूरा सीरीज वाइज चैप्टर वाइज वहां पे पूरा मैंने समझाया हुआ है सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। मैंने 2 सेशन लिए हैं जिसमें मैंने A to Z चीजों मैंने समझा के रखी है। ठीक है ठीक है ठीक है मोहित, ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, हेलो 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 हेलो, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और स्लो हो जाते हैं, जब स्लो होते हैं तो कहते हैं थोड़ा फास्ट हो जाइए, कोई बात नहीं। देखो मैंने बात किया, जब रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग जो था बेसिक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा फॉर स्टेट, जाहिर सी बात है बेटा पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, राज्यसभा जो होती है लिस्ट की हुई है कहाँ पे, एलोकेशन के मामले में 4th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन की। आपसे कुछ भी जब पूछा जाता है आप कहते हो हाँ ऐसा है, तो पूछा था ऐसा जो है जो तुम कह रहे हो ये कहाँ लिखा है, सबूत क्या है तुम्हारे पास, लाओ एविडेंस को पेश किया जाए। तो ऐसा ही, द सीट्स आर लोकेटेड एलोकेटेड ईच स्टेट मेनली ऑन द बेस ऑफ इट्स पॉपुलेशन। वो टाइम याद है आजादी के बाद का, जब हमारा वो लूज सेंटर बनाया गया था, 2 लूप बनाया गया था INC को लेके और मुस्लिम लीग को लेके, जब बनाया गया था उस टाइम पे प्रति 10 लाख लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव को निकाला गया था वोट देने के लिए। उस टाइम भी क्या हुआ था, पॉपुलेशन के बेसिस पे पढ़ रहा था, राइट? तो क्या हुआ था, प्रति 10 लाख लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव निकला था, उसने वोट दिया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था जैसा कि प्रेसिडेंट का होता है हमारे यहाँ। आगे बढ़ो, सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड किया गया था 8th शेड्यूल में हमारे संविधान के अंदर। आपको साल बताना है किस साल में इंक्लूड किया गया था, जल्दी। अरे ओम प्रकाश, शुक्रिया शुक्रिया। अनस, एक्चुअली जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, हिस्ट्री पॉलिटी जीएस वगैरह के जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे पढ़ाते हैं, आपको अन अकेडमी डिफेंस स्पॉट पे मिल जाएगा। वीडियो लैग हो रही है क्या, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए।
वीडियो लैग कर रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, 1967, वेरी गुड पार्थ। मंडल, संजू, संजू ने लास्ट क्लास में भी थे संजू, आप उस वक्त आप अच्छे सही जवाब दे रहे थे। नमस्कार शेखर सिंह, ओके, रत्न वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि प्रोविजन मेक बनाया गया हर एक इंडियन स्टेट के लिए, ताकि वो अपना हर एक स्टेट जो है ना बच्चा, वो क्या कर पाए, अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर पाए, ताकि कम्युनिकेट कर पाए स्टेट लेवल पे। सेलेक्टेड लैंग्वेज जो होंगे वो यूज किया जाएगा ऑफिशियल पर्पज के लिए और 8th शेड्यूल में संविधान के। ओके अरे इंजीनियर साहब क्या बात है, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली लैंग्वेज 71st अमेंडमेंट एक्ट में शामिल किया गया था 1992 में। बोबो, बोडो, डोगरी, सैंथली और मैथली जो है 92nd अमेंडमेंट में 2004 में। अब बताना है आपको कि विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड एज 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। बार बार बताया कि अगर ये स्टेट नहीं बना होता तो ये जो चाइना है ना, जैसे चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, वैसे ही ये हमारे स्टेट पे भी कब्जा कर लेता, जो आज हमारे पास है। बहुत ही छोटी आबादी वाला जगह है लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है, और कोलकाता से पास में ही है बंगाल से, मतलब एक रात की जर्नी है ऑलमोस्ट। ठीक है, तिब्बत पे कैसे किया था चाइना ने, याद है तुमको, वहां पे जाके जितनी भी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी, दलाई लामा, क्या होता है दलाई लामा, क्या है नाम नहीं है आपको पता है, दलाई लामा एक पोस्ट होता है वहां पे, तो दलाई लामा किस तरीके से वहां से फिर 1959 में कहाँ आ गए थे, इंडिया आ गए थे अपने फॉलोअर के साथ, बॉर्डर के पास से, हिमाचल का जो एरिया था, लद्दाख का जो एरिया था, वहां से बॉर्डर के पास क्रॉस करके 10,000 फॉलोअर के साथ दलाई लामा इंडिया आ गए थे, क्योंकि चाइना में, चाइना ने क्या किया था, तिब्बत पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। जो भी लोग दलाई लामा की बात मानते थे और चाइना की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको मार दिया जाता था। बहुत ही क्रूर तरीके का शासन किया है। देखो किसी को भी कब्जा करना हो रहा था तो क्या करता, बलपूर्वक ही कब्जा करता। वेरी गुड एवरी वन, सबका 100% जवाब बिल्कुल सही है, सिक्किम। और यही 1959 में जो दलाई लामा जब आए थे, और 1962 में हमने वॉर का सामना किया था। आज दलाई लामा कहते ही हैं, क्या कहते हैं भैया, कि हम जो है भारत के, इंडिया के बेटे हैं, पुत्र हैं, राइट। अभी हाल में ही बहुत चर्चे में भी था, क्योंकि चाइना की जो आर्मी है वो आ गई थी उस साइड पे, और आके दलाई लामा को कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमें बॉर्डर साइड उनको लाल कपड़े पे धमका रही थी कि सेलिब्रेट ना करो, तो काफी चर्चे में भी रहा था। मैंने करंट अफेयर के सेशन में आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था इसके बारे में। सिक्किम जो कैमोज करता है इंडिया का 22nd स्टेट, 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम स्टेट डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 16 मई को हर साल, बिकॉज दिस वॉज द डे वेन द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम एज्यूम्ड ऑफिस। इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पर सिक्किम जो है क्या हुआ था, हमारे अंदर आया था। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। जल्दी से क्लास को 1,000 लाइक तक लेके जाइए, जल्दी जल्दी बेटा। सुनिए तजामुल, एक्चुअली आप जो भी जीएस का जो टॉपिक चल रहा है, वो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं लेके आई हूँ, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। शायरी बड़ा अच्छा करते हो ओम प्रकाश, थैंक यू सुनील हेमंत। अच्छा आपके पिता, ओके, वेरी वेरी गुड, रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट जो है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इसीलिए देखते हो फंडामेंटल ड्यूटी तो नहीं बनाया गया है इसको। इसमें जब कमिटी बनी थी तो कमिटी ने रिकमेंड किया था, बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज कमेंड किए थे, इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड था। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जब राइट्स इन लोगों को दिए जाते हैं इतने, और ये लोग जब राइट्स लेते हैं तब इनको कुछ नहीं होता, तो इनको ड्यूटी भी इनको निभानी पड़ेगी। आपको आपातकालीन का वो टाइम याद होगा, जब मैंने आपको बताया भी, पढ़ाया भी कई सेशन में आपातकालीन के बारे में, कि क्या हुआ था वो काला इतिहास का पन्ना, क्या क्या एक्ट लाए गए थे उस टाइम पे, मीसा एक्ट वगैरह भी इंट्रोड्यूस किया गया था, किस तरीके से जबरन जितने भी अपोजिट पार्टी वाले लोग हैं उनको जेल में भर दिया गया था, तो बहुत सब कुछ हुआ था उस टाइम पे। ड्यूटीज भी बनाई गई थी लोगों के लिए कि लोग ड्यूटीज को फॉलो करेंगे, जिसमें टैक्स भी जो था एक ड्यूटी के तौर पे लाया गया था, लेकिन उसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। अब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ जो होता है क्या में एकता वीक या फिर नेशनल इंटीग्रेशन वीक
सेलिब्रेट किया जाता है हर साल अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में या फिर जनवरी में। बच्चों ये जो क्लास है आपकी हर संडे को 2 बजे होती है यहाँ पे, और बाकी अन अकेडमी डिफेंस स्क्वाड पे आपकी क्लास जो होती है वो डेली चलती है अन अकेडमी डिफेंस स्क्वाड के चैनल पे। ओके हाँ गुड आइडिया, तो इलेक्शन लड़ लेते हैं, तुम लोग साथ दे ही रहे हो, वेरी गुड गुड वन। क्या में एकता वीक जो ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 1925 हर साल को, क्लास को तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो और ना ही लाइक कर रहे हो। कौशिक है हमें बांग्ला बोलते पारी क्या बोलबो ना, हमें खाने था कि तार बोले बांग्ला बोलते पारबो ना। ना स्टार्ट करते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव राइट्स टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन इंडिया। हमें खाने प्रैक्टिस करी बाबा, हमें हाईकोर्टे अच्छी कैलकाटा हाईकोर्टे तार जन हमें बांग्ला तो बोलते पारी खूब भालो करे ना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो लोग आप लोग आज ही सवाल के ऊपर, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन दिया गया बच्चों को इंडिया में? आपको पता है इसको सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को, शिक्षा के अधिकार को, राइट टू लाइफ से भी कनेक्ट किया है। कहा है कि बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के जीना जो है वो कहीं ना कहीं आपका जिंदगी जो है वो व्यर्थ है। क्योंकि देखो पहले का टाइम क्या था ना बच्चा, कि पहले का टाइम निकल जाता था तुम्हारा किसी तरीके से, क्योंकि पहले उतनी जरूरत नहीं थी। आज के टाइम में अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो कुछ नहीं, और यकीन मानिएगा आज अगर आप एक पोस्ट, आप एक नौकरी नहीं निकालते, आप एक समाज में एक पोजीशन पे नहीं आते हैं, आपको किसी ने कोई रिस्पेक्ट नहीं देनी है। ये वही लोग हैं, ये सारे लोग चाहे आपके रिश्तेदार हों चाहे आपके पड़ोसी हों, जब तक आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे ना, कोई आपको घर में एक दिन नहीं रखेगा। याद रखिएगा, आप अपने घर को छोड़ के 2 दिन किसी के घर रहने चले जाइए, अपने रिश्तेदार के घर रहने चले जाइए, उनका शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ कितने दिन से आके रह रहा है, एक सब्जी भी नहीं लेके आता है, काम भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। ये दुनिया मतलब की दुनिया है, स्वार्थ की दुनिया है। यहाँ पे अगर आपने सक्सेस नहीं लिया तो बेटा बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। चीज को अंडरस्टिमेट मत करो, एज बचा हुआ है तुम लोग के पास, एग्जाम दो, तैयारी करो, वरना जिंदगी में ना तुम्हारी माँ जैसा कोई नहीं है जो तुम्हारे साथ हर कदम पे साथ देने के लिए खड़ा रहेगा। चाहे तुम कभी अच्छा करो या बुरा करो, तुम अच्छे लग रहे हो बुरे लग रहे हो पता नहीं, तुमने शायद माँ को कभी प्यार से पूछा भी नहीं होगा माँ को अपनी, कि माँ तुमने खाना खाया, तुमने शायद खाना खाते वक्त माँ की प्लेट में देखा भी नहीं होगा कि माँ ने खाना खाया है कि नहीं खाया है ठीक से। लेकिन तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन दुनिया जो है ना दुनिया नहीं करेगी। तो अपनी तरक्की की तरफ ध्यान दो ताकि माँ को भी क्या है प्राउड फील करा सको लाइफ में। हाँ जी शायद जी, अच्छा ठीक है हम लड़ लेंगे इलेक्शन लड़ लेंगे। चलो अब बताना कितने स्टेट जो है पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। अरे बाबा जवाब दो, कितने राज्य जो है उत्तर पूर्वी परिषद का हिस्सा है? नॉर्थ ईस्टर्न जब स्टेट्स बने थे ना, स्टेट आपको मैंने सिटीजनशिप में पढ़ाया था, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो मैंने आपको बताया था कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया था किस तरीके से कौन कौन सा बना, पहला राज्य कब हुआ, अरुणाचल प्रदेश कब बना, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश कब बना, पंजाब से कैसे अलग हुआ, हरियाणा, गुजरात से मुंबई कैसे अलग हुआ, कुछ मराठी बोलने वाले लोग थे, कुछ गुजराती बोलने वाले लोग थे। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता है, अब मैंने तुम लोगों को जवाब ही बता दिया एक्चुअली, लेकिन एक और सिस्टर का इसमें नाम शामिल किया गया था उत्तर पूर्वी परिषद में। 7 सिस्टर हम पहले जानते थे इनको, अब इसमें टोटल 8 जो है वो शामिल है, जिसमें क्या अरुणाचल प्रदेश जो है, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा था। उसके बाद सिक्किम जो है 8वां बनता है। पहले हम इसको किस नाम से जानते थे? 7 सिस्टर्स के नाम से जानते थे। उसके बाद 2002 में सिक्किम जो है वो 8वां मेंबर बन चुका है। प्लीज एग्जाम में ये वाला जो गलती है उसको मत कीजिएगा, 8th मेंबर बन चुका है, मतलब कि टोटल अब 8 स्टेट्स जो है हो चुके हैं नॉर्थ काउंसिल स्टेट में, काउंसिल में शामिल। ठीक है,
अब मुझे बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द अंतरिम गवर्नमेंट, रह चुके थे 1946 से लेके 1947 के बीच में, अंतरिम सरकार किन की रही थी? मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सी राजगोपालचारी जी। फटाफट बताइए, जवाब दीजिए। अरे गोलू गोलू, हाँ बेटा, हाँ ठीक है, डन डन डन, चलो अभी पढ़ लो। सेशन आप लोगों को कंटिन्यू कराना है ना, आगे बढ़ना है ना सेशन में, तो चुपचाप बैठ जाओ एकदम शांति से। अरे नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है, वीडियो लैग कर रही है वापस से। वेरी गुड हेमंत, और बाकी लोग जब बिल्कुल से, नेहरू नेहरू संजू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रमोद ICM संजू, वेरी गुड वेरी गुड, एस जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वाइस प्रेसिडेंट रहे थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन के फर्स्ट में, एज वेल एज सेकेंड इंटरिम कैबिनेट में। प्रेसिडेंट कौन थे? लॉर्ड वेवल जो थे, जो कि वाइसरी भी थे और गवर्नर जनरल भी रहे थे इंडिया के। इन विच ईयर दमन एंड दीव वेयर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा? बताइए किस साल में दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया था? अरे जर्विश, अच्छा वीडियो लैग हो रही है, वेट अ सेकेंड, मुझे इसका उपाय करने दो, तुम लोग यहां पे बने रहो, एक सेकेंड का मुझे बस वक्त दीजिए आप लोग। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग को अभी जो ऑडियो वीडियो जो है बिल्कुल क्लियरली जा रही है, फिर नहीं कहीं भी लैग की समस्या जो है वो नहीं हो रही होगी, आई होप अभी वीडियो लैग नहीं कर रही होगी, बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को जा रही होगी। अरे अरे, मैं आ गई मैं आ गई, मैं वापस आ गई, मैं वापस आ गई, मैं वापस आ गई हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली शुक्रिया, आगे बढ़िए, वेरी गुड, आप सभी का जवाब बहुत सही था, आप लोग बहुत देर से जवाब दे रहे थे, वेरी गुड। 1985 प्रीवियसली गोवा दमन दीव जो है एडमिनिस्टर किया जाता था एक सिंगल यूनियन टेरिटरी की तरह, याद रखिएगा पहले गोवा दमन और दीव को एक साथ एडमिनिस्टर प्रशासन इसके ऊपर किया जाता था एक सिंगल यूनियन टेरिटरी की तरह। बाय द गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हुआ 1997 में, एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया गोवा को, और उसके बाद सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया दमन और दीव को। ओके, नाउ दिस चेंज वाज नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368। ये वही 368 है जिसको लेकर कितना बवाल हुआ था, याद है मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिटी की क्लास में कि इस 368 आर्टिकल को लेके इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे बहुत ही बड़ा बवंडर बवंडर मचा था। कोई बात नहीं इंजीनियर साहब, आप अपना फोन जो है वो चार्ज पर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फेस के ग्लो से आपका चार्ज खत्म हो रहा था, पर लगाऊंगी अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेट लीड टू द क्रिएशन ऑफ जोनल काउंसिल? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वजह से जोनल काउंसिल फॉर्म हुआ था जो कि 1935 में आया था, क्या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से आया था, या पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की वजह से आया था, या फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की वजह से आया था? अरे क्या चल रहा है, तुम लोग नाम क्या जोड़ रहे हो यार, कमॉन। थैंक यू धनेश्वर, ठीक है गोलू, वेट्स दिव्या, क्या चल गया बॉस, ओए पढ़ाई करो सारे के सारे, हो गए तुम लोग ड्रामे सारे के सारे सबके। अरे भाई साहब, सीधी सी बात है, अगर जोनल काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कहां से निकला होगा? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन से निकला होगा, राइट? जो कि कब हुआ था? 1956 में हुआ था। आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेडेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स जो कि फाउंड हुआ था 1957 में?
किसको ने इसको लीड किया था बताओ, किस राष्ट्र, कौन से राष्ट्रपति जो थे हमारे उस टाइम पे, फरुखुद्दीन अली अहमद जो कि थे इमरजेंसी वाले टाइम पे, वीवी गिरी साहब, या फिर जाकिर हुसैन, या फिर बीडी जड़ी साहब। हु, जल्दी 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 यार, तुम लोग ना क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो बताना मुझे। तुमने पता है थप्पड़ खाओगे मेरे से, चमाट समझते हो, सीधे वाली कंटाप पड़ेगी तुम लोग एकदम सीधे से। वीवी गिरी, तब देखो तब इंडियन सोसाइटी। अरे भाई साहब, जब मैंने आपको डेट भी बता दिया 1957 के टाइम पर डिस्टिंग्विश ग्रुप था एकेडमिशियन का और पब्लिक मैन का, जो कि एंगेज हो रहे थे प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में। नाउ दिस ग्रुप वाज हेडेड बाय द एक्स प्रेसिडेंट, कौन रहे थे, श्री वीवी गिरी, और कॉम्प्रोमाइज किया गया था सेम बिगेस्ट नेम इन अकेडमिया। मेरा फेस किससे मिलता है? चलो श्वेतम शुभम, बच्चा आपको हिंदी में भी पढ़ाया जा रहा है, डोंट वरी। अच्छा ये बताइए मुझे कि विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट, इनमें से किस अधिनियम ने भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया था, 11th फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 100th अमेंडमेंट एक्ट, विच वन? जल्दी 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 क्लास को फटाफट लाइक करती जाइए। हाँ ये अच्छा सिला दिया वाला हाल है। 86 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्टैब्लिश किया गया था न्यू फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि कहाँ पे है, आर्टिकल 51 क्लॉज ए में, जो कि ये कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, जिनकी उम्र 6 साल से 14 साल तक की उम्र तक आपको अपने बच्चों को पढ़ाई कराना ही पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तो राइट टू एजुकेशन को आपको पता है राइट टू लाइफ से कनेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू। कोई भी लाइफ आपकी शिक्षा के बगैर अधूरी है। रविंद्र बेटा आपको क्या करना, पहले आपको सिलेबस देखना होगा कि आप पुलिस की तैयारी, किसकी तैयारी करना चाह रहे हो, आप स्टेट सर्विस की एग्जाम देना चाह रहे हो या फिर आप एसआई की एग्जाम देना चाह रहे हो, क्योंकि सिलेबस उसका अलग अलग होता है। किसी में आपको कम पढ़ना पड़ता है, पढ़ना वही है आपको सिमिलर, लेकिन किसी में आपको कम पढ़ना पड़ता है, किसी में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। जल्दी अब बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द यूनियन पावर कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनमें से किसने हेड किया था यूनियन पावर कमिटी को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच सी मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? फटाफट। थैंक यू यूवी। जल्दी 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 जल्दी, अब भी आपको बहुत सारे सवाल बाकी है, अभी आपको और करना है, 100 सवाल तक पहुंचने दो मुझे पहले, ऐसे नहीं जा रही मैं। वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज कमिटी, जो रिकमेंड करती है, और मेकिंग द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन, या फिर लुकिंग इन टू द लिंग्विस्टिक डिमांड फॉर द न्यू स्टेट एंड मेक सजेशन इन दैट रिगार्ड, आइडेंटिफाई द इंडेंजर्ड लैंग्वेज एंड मेक दम रिकमेंडेशन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देम। बताइए, ऑप्शन आप सभी के सामने है, जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए आप लोगों से, वो आप लोगों को ये देखते ही समझ में आ जाएगा, बाकी ज्यादा नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हैप्पी बर्थडे बेटा, मेरा बर्थडे 23 जुलाई को था, खत्म हो गया इसी में से आप लोग की क्लास लास्ट संडे नहीं हो पाई थी।
अरे केएल मोटिवेशन, शुक्रिया। बोलिए 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 जल्दी। यस इट्स ए रिकमेंडेड ऑन मेकिंग द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज ऑन द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। ओके, आर्टिकल 354 के बारे में अगर बात करेंगे, आर्टिकल 354 के बारे में अगर बात कर रहे हैं, जो कि इनिशियली 5 साल का कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके बाद हर 10 साल पे होता है। इस पे क्या होता है, देखो प्रेसिडेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूट करता है एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कमिटी को, जिसमें वो रिकमेंड करता है कि किस तरीके से प्रोग्रेसिव यूज हो सकता है हिंदी लैंग्वेज का और जितने भी ऑफिशियल पर्पज होते हैं यूनियन के उसके लिए। ओके, नाउ हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ईजी है यार, कम ऑन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हैस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड क्लेव या लॉर्ड मैकले? फ्रेंडशिप डेट टू ऑल ऑफ यू। नाउ अभी क्लास को जल्दी से एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। तो पहले सबसे पहले बात करें, हम लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। चार्टर एक्ट जो था 1833 में बना एंड मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उन्हीं को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। एंड वेस्टेड में जितने भी सिविल या मिलिट्री पावर थे वो सब उनमें वेस्ट करते थे गवर्नर जनरल में, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गए इस तरीके से इंडिया के। बात आई समझ में? हाँ राहुल सही कहा, एकदम केस करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अंडर विच एक्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज गिवन द पावर? किस एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दी गई ताकि डिस्कस कर सके बजट? कहाँ पे? ब्रिटिश इंडिया के पार्लियामेंट में। देखो जो भी इंडिया का जो भी अधिकृत एरिया था, जिस एरिया पे किसका राज था, ब्रिटिशर्स का राज था, उसको हम लोग क्या कहते थे, ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानते थे, राइट? चलिए बताइए फटाफट। यस वेरी गुड, इट्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंक्रीज कर दिया नंबर ऑफ द एडिशनल मेंबर इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन मेंटेन रखा ऑफिशियल मेजोरिटी को, और एक्ट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव द पावर टू डिस्कस करने का, कि बजट को आप डिस्कस कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं क्वेश्चन को जो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए गए। आमी तो 3 बार लाइक कर दिए छी मैम, 3 बार की करे तुम्हें लाइक कर दिए छो, 3 बार लाइक होवे ना कि डिसलाइक हो जावे? अभिमन्यु हाँ जी बच्चा, हाँ आईसीएम, अरे इंजीनियर, अच्छा शुक्रिया। मैं मेरा केस आप लड़ना, हाँ डन ओके। अरे क्या हो गया, रो क्यों रहे हो गोलू? हाँ गोलू अभी वो पानी पीने गया, वो बोला कि मैं आ रहा हूं मैं। ना हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल? पहले इंडियन जिन्होंने ज्वाइन किया था वाइसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, जी के गोखले, महात्मा गांधी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या फिर अंबिका चरण मजूमदार? बेटा आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, आपको पीडीएफ जो होगा मिल जाएगी, ठीक है? थैंक यू रोहित। यस राइट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1909 प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था कि एसोसिएशन जो है इंडियन का एग्जीक्यूटिव काउंसिल से वाइसरी गवर्नर के साथ। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ज्वाइन किया था वाइसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और उनको अपॉइंट किया गया था एज अ लॉ मेंबर। डन, आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल सही। अब बताओ हु बिकम द फर्स्ट जनरल गवर्नर जनरल इन द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया? भारत के जो नए अधिराज्य थे उनके पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, कैलमेट एथलेट या राजेंद्र प्रसाद? हु? आपकी दिव्य शक्ति से सबको पास कर दो मैम। हाँ यार वो डिस्कवर करना पड़ेगा अपनी दिव्य शक्ति को। राइट इंजीनियर मैम আপনার তে বাড়ি কোথায়? আমি কলকাতায় থাকি, বাড়ি কোথায় তুমি আসবে তারপর আমি বলে দেবো, তারপরে ঠিক আছে? চালিয়ে
अरे क्या बात है, सब बड़ा सही जवाब दे रहे हैं आज तो एकदम। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ जाओ। आफ्टर इंडियन पाकिस्तान का जो अटेंड किया था इंडिपेंडेंस मिडनाइट को, 14 अगस्त और 15 अगस्त की जो रात थी 1947 को, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने सर्व किया था फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो जून तक में मतलब कुछ वक्त तक उन्होंने सर्व किया था। अब बताना कि किस एक्ट में, चल अब मुझे बताइए कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अरे बालक हम यूपी से हैं, क्यों घबरा रहे हो तुम लोग? हाँ चलो पढ़ाई करो, अभी ज्यादा दिमाग ना दौड़ाओ इधर उधर, समझे? अरे सिंगर हो, फेवरेट सॉन्ग जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। मुझे बताओ कि विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया जो था ये मेन सोर्स था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट, 1909 वाला, या 1935 वाला, या फिर 1947 वाला? आपको अगर याद हो तो मैं बता दूं, 1935 में एक एक्ट पूरा का पूरा ला के एक संविधान जो था इंडियंस के ऊपर थोप दिया गया और कह दिया गया कि भैया तुम उसको मान लो, लेकिन वो कुछ डायरकी का इश्यूज था जो कि प्रोविजन और सेंटर की वजह से, तो हमने उसको मानने से क्या कह दिया, हमने मना कर दिया और हमने इनकार कर दिया। लेकिन जितने भी ज्यादा हमने लिए थे वो कहाँ से लिए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने सबसे ज्यादा लिए थे फीचर्स, अगर आप देखोगे तो। मैंने पॉलिटी के सेशन में इस चीज को कवर भी किया है और बताया भी है आपको। थैंक यू रॉक अंबर किंग, फायर एंड हार्ट, क्योंकि मेरी मम्मा है इसीलिए। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो बहुत सारे जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, लाइक फेडरल गवर्नमेंट के डायरकी के सेंटर में, एंड जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया कि ताकत का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम इट। अब मुझे बताइए कि जो डिमांड हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो एक्सेप्ट किया गया इन विच प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट? जय हिंद जय हिंद। थैंक यू अनस, थैंक यू सो मच अनस आलम। गब्बर सिंह, ये फिल्टर हेरिडिटी में मिलता है, माता और पिता से मिलता है। चलिए हो गई आप लोग की बातें। आप लोग को जैसे यहाँ पे सेशन हो रहे, वेरी गुड, जितने भी आपके यहाँ पे सेशन चल रहे हैं ये सारे सेशन आपके ऑलरेडी यहाँ पे तो पर संडे आपके हर संडे को चलते हैं, ठीक है। अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के ऊपर आपका ये सेशन हर दिन चलता है, ठीक है, तो आप लोग वहां पे मुझे आके ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड पे। वहां पे आपकी करंट अफेयर्स की जो सेशन है जो कि आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कवर करती है, वो सारे भी सेशन जो होंगे आपको वहां पे मिलेंगे। यहाँ पे अगस्त ऑफर जो है, चूंकि डिमांड किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ऑफिशियली डिमांड था आईएनसी का 1935 में, और एक्सेप्ट कर लिया गया था 1940 जो एक्सेप्ट, इसको एक्चुअली फिर इसको हटा दिया गया था। अगस्त ऑफर आया था, क्रिप्स मिशन आया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर ने बिना हमसे पूछे हुए हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पार्टी बना दिया था ब्रिटिशर की साइड से लड़ने के लिए, जिसका गांधी जी ने पूर्णतः विरोध किया और कहा कि नहीं भैया हम जो है हम तुम हमें कैसे बना दोगे। जिन्ना ने सपोर्ट किया था कहीं कहीं पे, लेकिन लास्ट में गांधी जी की बात मानते हुए ब्रिटिशर ने कहा था कि आप हमारी अभी मदद कीजिए, फिर आपका अपना संविधान बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि बेटा सुनो, तुम जो थे ना, तुम हमको पहले भी यही बात बोले हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी कि हम आपकी मदद करेंगे संविधान बनाने में, और तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो गांधी जी को यकीन नहीं हुआ, तब इन लोगों ने भेजा अपना पूरा अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन, वो भी फेल हो गया। लास्ट में जब कैबिनेट मिशन आती है, 3 मेंबर जैसे यहाँ पे आते हैं, और तब जाके हमारा कैबिनेट मिशन जो होता है वो पूरे तैयारी के साथ आती है और एक लूप होल बना के, एक स्ट्रॉन्ग एक लूज सेंटर बना के, दोनों पक्ष दोनों पार्टी में मिल्लत को साबित करने का काम करती है। वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज ऑल्सो हेडेड द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी, एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हेल्ड ऑफिस फ्रॉम 1950 से लेके 1962 तक के लिए।
आगे बढ़िए। सेवरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन बोरोड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आपको जैसा कि पता है बहुत सारे अलग अलग जो फीचर हमारे संविधान में जो डाले हुए हैं वो अलग अलग जगह से अलग अलग सोर्सेज से बोरो किए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है कॉन्टेक्स्ट में। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का एक फेडरल स्कीम था, क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कंकरेंट लिस्ट में है, क्या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट लिया है, क्या जापान कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ लिया है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कुछ बच्चे जो आपका साथ देते हैं, थैंक यू धीरज धीरज अच्छा लगता है। राहुल शुक्रिया बेटा। जीएस जो है वो, अरे शुभम शुक्रिया, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अभी जवाब दे दो फटाफट। यस एब्सोल्युटली राइट। देखो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो थे वाइस प्रेसिडेंट रहे थे भैया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक्सटर्नल अफेयर के, हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। कंकरेंट लिस्ट जो हमने निकाला था वो कहाँ से निकाला था, ब्रिटिश के संविधान से निकाला था। आगे बढ़िए। किसने कहा था कि प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि प्रेम्बल जो होगा मोस्ट प्रीशियस पार्ट होगा संविधान का, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे प्रीशियस पार्ट होगा हमारे संविधान का प्रेम्बल, है ना, ये सोल होगा आत्मा होगा संविधान का, एंड इट विल बी द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का ज्वेल सेट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आभूषण होगा, हार होगा, एक प्रॉपर याद स्टिक टू विच कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहे थे शब्द, देखो शब्दों में कितनी खूबसूरती है। मैं आपके हस्बैंड क्या जॉब करते, तुम लोगों ने शादी भी करा दी मेरी, अरे वाह गजब, एकदम डायरेक्ट फैसला भी पहुंच गए। जल्दी जल्दी जवाब। अरे वाह सबका जवाब बड़ा सही आ रहा है। पंडित ठाकुर भार्गवा ने कहा था, जो कि मेंबर भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्वेल सेट होगा, आभूषण होगा, पूंजी गहना होगा, समझ रहे हो। नहीं अच्छा लगता है, तुम लोग जवाब जब देते हो तो अच्छा लगता है। नाउ किसने कहा था कि इंडिया जो होगा इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन होगा और ट्रकबल स्टेट का, विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर साहब, बी एन राव या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई बात नहीं सचिन, अगली बार सही हो जाएगा। देखिए जो आपका गलत होता है तो आपको कुछ सीखने को मिलता है, हर बार कुछ आपको सीखने को मिलता है। वेरी गुड, बी आर अम्बेडकर साहब, जो कि हमारे हमारा ड्राफ्ट किया जिन्होंने संविधान ने, इनके चेयरमैन रहे थे, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेम्बर भी रहे थे बी आर अम्बेडकर साहब, जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था इसके बारे में। आर्टिकल फर्स्ट क्लॉज वन में लिखा हुआ है संविधान में कि इंडिया दैट इज भारत वो होगा यूनियन ऑफ स्टेट, और ये जो वर्ड यूनियन है डेलिब्रेटरी चूज किया गया है फेडरेशन की जगह पे, ताकि इंडियन, तुम जो संविधान जब पढ़ने बैठोगे ना, पॉलिटी इज ऑल अबाउट पावर गेम। आप जो पॉलिटी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा ये पूरा पावर गेम है एक तरीके का। ढंग से पढ़ने जाइएगा सब समझ में आएगा। संविधान इतनी खूबसूरती से बनाया गया, इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया गया हमारे संविधान को, एक ऐसे देश से जब हम ब्रिटिशर से जस्ट हम छूटे थे, बंटवारा भी हुआ, हमारे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे, हमारे पास लोग थे। कहते ना लोग का नॉलेज जो होता है वो हीरे से भी ज्यादा प्रेशियस होता है, पारस की तरह, जिसको भी आप छू दोगे ना वो सोने में तब्दील हो जाएगा। कुछ लोग इतने कीमती होते हैं। हमारे संविधान को जो आप खोल के देखिएगा तो आप कहिएगा एक एक चीज के बारे में लिखा है उसके अंदर। 64 कंट्रीज के संविधानों को लाके बी एन राव साहब का काम था, बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में नहीं कह रहे, बी एन राव साहब का काम था। वो गए थे 64 देशों की यात्रा पे गए थे, वहां पे जाके उन्होंने सेलेक्ट किया था। फिर ये टीम बैठी थी ड्राफ्टिंग कमेटी की जिन्होंने ड्राफ्ट किया था,
उसके बाद हमारे यहाँ लोगों को क्या होता है ना कि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो लोग बहुत टांग खींचते हैं, बहुत ट्रोल करते हैं। वैसा हुआ था जब हमारी प्रारूप समिति जब तैयार की गई थी, प्रारूप समिति तैयार होने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसको मना किया था। हाँ ये बात सही है। तो लोगों ने हमेशा की तरह ड्राफ्टिंग कमिटी को लेके भी बहुत ज्यादा बवाल खड़ा किया था, खराब है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, बहुत कुछ बोला। क्योंकि लोगों का काम होता है, लोग क्या होते हैं ना, आपको खुश नहीं देख सकते हैं, कभी आपकी मेहनत को नहीं देख सकते हैं। 64 देशों का संविधान लाया गया, टीम ने दिन रात बैठ के, ये मेंबर जो थे खाना पीना घर बार भूल के हमारे देश के संविधान तैयार कर रहे थे। और जब न्यूज़पेपर में इसका पहला ड्राफ्ट जब पब्लिश किया गया, उसके बाद लोगों ने जम के क्रिटिसाइज किया इसको, और एक बार नहीं, 2-3 बार क्रिटिसाइज किया बॉस। चलिए फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, जल्दी से एक बार सेशन को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए आप लोग। रॉन्ग करमबीर, वेरी वेरी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग एक्चुअली। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। किस कंट्री के पास पॉलिसी नहीं है ड्यूअल सिटीजनशिप की, मतलब दोहरी नागरिकता की नीति जो है इनके यहाँ नहीं है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर नेपाल, विच वन? अभिमन्यु ये सब चीज इसलिए याद रहती है क्योंकि पढ़ाई करी है और मेरा लॉ था, मैंने लॉ किया है, तो ऑब्वियस चीज है हमें हमेशा इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग को भी याद हो जाएगा, आप लोग जब पढ़ना शुरू करोगे ना सही तरीके से और आपको लगे कि आपका काम बन चुका है, तो सारी चीजें अपने आप याद रहनी आप लोग को शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हो बातों को? जल्दी जल्दी जल्दी, अरे कम ऑन यार, इट्स नेपाल, वहां पे दोहरी नागरिकता नहीं है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। नेपाल जो है सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है, पाकिस्तान ड्यूअल सिटीजनशिप देता है, फ्रॉम 16 कंट्री से ही सिर्फ ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है। उसको कराना ही पड़ेगा पाकिस्तानियों को, पता नहीं किस बात पे ये लोग हमेशा अपने आजादी वाले दिवस के दिन ये लोग चक्र वक्र अवार्ड वगैरह देते रहते हैं अपने सिपाहियों को, आज तक एक युद्ध तो जीता नहीं है इन्होंने हमसे, पता नहीं जाने किस बात का देते हैं। नाउ इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन भी जब हो जाएगा ना, लोकसभा जब डिसॉल्व भी कर जाएगा, तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो ऑफिस है वो सीज नहीं होगी, समाप्त नहीं होगा। किस साल में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को? 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में? फटाफट बताइएगा जरा, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड विजय, अभिषेक, आकाश, '71 के बारे में बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया था कि इवन आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सीज नहीं हो करती है अपना ऑफिस, वो सीज उनका नहीं हो जाता है अगर लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाए तो। राइट अब मुझे बताओ, ये कैबिनेट वर्ड जो है ये संविधान के किस आर्टिकल के अंदर सम्मिलित किया गया है? कैबिनेट शब्द को 350, आर्टिकल 352, आर्टिकल 74 या 76? क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज। जवाब दीजिएगा, आप लोगों का नाम लिया जाएगा, क्यों नहीं? देवान, बहुत अच्छे, इट्स आर्टिकल 352। कैबिनेट शब्द का जो इस्तेमाल किया हुआ, देखिए बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको पढ़ना है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेहनत को अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर आपको नहीं आता है बेटा, पढ़ना भी नहीं है यहाँ पे, प्लीज यहाँ बैठ के ना भीड़ मत बढ़ाइए, सीधी सी बात है। ओनली वंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 352 क्लॉज 3 के अंतर्गत स्टेट द प्रेसिडेंट शैल नॉट इश्यू अ प्रोक्लेमेशन अनलेस द यूनियन कैबिनेट मस्ट कम्युनिकेट हिम इन द राइटिंग दैट सच प्रोक्लेमेशन
प्रोक्लेमेशन में भी इश्यूड। समझ में आया किसके बारे में बात किया मैंने, मैंने बात किया इमरजेंसी के बारे में। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी के अंदर लिखा हुआ है कि तब तक इमरजेंसी लागू नहीं हो सकती है जब तक यूनियन मिनिस्टर ने लिखित में नहीं दिया हो प्रेसिडेंट को, प्रोक्लेमेशन तब तक जारी नहीं किया जा सकता है, जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हल्का सा धोखा हुआ था। इंदिरा गांधी जी ने फरुखुद्दीन साहब को कॉल किया जो कि उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनको कॉल किया, उनको कहा कि इमरजेंसी हमें लागू करनी है, क्योंकि बिहार में जेपी उधर नारायण जो थे, भैया जेपी नड्डा साहब जो थे वो भी शुरू हो गए थे, जेपी नारायण जो थे वो भी शुरू हो चुके थे, जयप्रकाश नारायण वो शुरू हो चुके थे उनकी गद्दी को लेके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ प्रोसीजर्स निकाल दिए थे। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि समाज में थोड़ा सा अराजकता का माहौल है, हमें इमरजेंसी लगानी फरुखद्दीन साहब को। फरुखद्दीन साहब ने कहा कि लेकिन हमें रिटर्न में चाहिए होगा सारे यूनियन मिनिस्ट्री से। तब इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप, तो अगर मैं कह रही हूं तो सबको लिख के देंगे, आप अभी प्रोक्लेमेशन जारी कर दीजिए, कल सुबह तक आपको सबका रिटर्न में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और कल कभी नहीं आया। रात को सब अपने घर घर पे बैठ के रोटी चावल दाल खा रहे थे, सारे यूनियन मिनिस्टर्स को भी पता चला टीवी के थ्रू कि इमरजेंसी भैया लग चुकी है। अब इधर आ जाइए, बताइए सीटों का आवंटन जो किया जाता है राज्यसभा में वो किस बेसिस पे किया जाता है? बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। अरे शुक्रिया गौरव। बताइए, अरे जाहिर सी बात, अभी तो बताया था यार पॉपुलेशन, यार जाहिर है पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स जो होते हैं यहाँ पे रिजर्व होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट बाय 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962? किसको दिया गया था? सिक्किम को बनाया गया था, नागालैंड को, आसाम को, या फिर त्रिपुरा को? 1962 के टाइम के बारे में बता रही हूँ, राज्य का दर्जा दिया गया था। यस पार्थ मंडल, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। बेस्ट नागालैंड, 13th अमेंडमेंट के बारे में मैंने कहा था, 13th अमेंडमेंट। सोचिए दीपक, आपको अभी ऐसा लग रहा है, दीपक मीना आप मेरे बारे में सोचिए, मुझे कैसा लग रहा होगा। कुछ बच्चे से पढ़ने वाले हैं लेकिन इतने सारे जो बच्चे आ जाते हैं ना बीच में बकवास कमेंट्स करने के लिए, उनके बारे में क्या बोला जाए, ये बस बैठे ही हैं क्या करने के लिए, कि ट्रोल करेंगे बैठ के मैम को, और क्या है ना। नाउ विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर्टल टू फॉर्म द फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी? किस कॉन्स्टिट्यूशन जो है भैया मौलिक अधिकारों को कम कर दिया गया था? 21st अमेंडमेंट है, 25th ने, 42 में, 44 में। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ था इससे बहुत बड़ा बवाल हुआ था, बहुत सारे केस स्टडीज हुए थे इस वाले अमेंडमेंट पे। सेशन को लाइक कीजिए जल्दी जल्दी और शेयर कीजिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड यार, कुछ बच्चे हैं बड़े शानदार। 25th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर रहे थे 1971 को, जिसने कर्टल कर दिया था फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को और परमिट कर दिया गया था एक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक यूज के लिए, जब पेमेंट का कंजम आप कंपनसेशन पे करोगे, पार्लियामेंट सोचेगी भैया आपकी जमीन जो हो गई जब्त हो गई है। वेरी गुड हर्ष कौशिक, गोकलनाथ केस दुनिया पलट गई, जज्बात पलट दिए क्योंकि गोकलनाथ केस ने, बिल्कुल, उससे पहले सज्जन सिंह का केस आया था, है ना। थैंक यू रॉक। बताइए इनमें से कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट 2002 में, इनमें से किसको ऐड किया गया था? टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को फॉलो करना, अबाइड करना, उसके रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना आइडल्स की, इंस्टीट्यूशन की, अपहोल्ड करना, प्रोटेक्ट करना सोवरनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को इंडिया के,
साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, ह्यूमनिज्म को, ह्यूमनिज्म को, स्पिरिट की इंक्वायरी को, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, राइट, 6 और 14 तक एज के लिए। फटाफट फटाफट जवाब 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 जवाब, मुझे जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड, अरे शानदार शानदार, जबरदस्त। पार्थ मंडल, हरि कृष्ण दास, अभिषेक, अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह, विजय कुमार, सौरभ, शुभम मंडल, वेरी गुड वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ल्ड बिटवीन 6 से 14 सालों के बीच में। 2002 में इस अमेंडमेंट को हमारे यहाँ क्या किया गया था भैया, भाई साहब, ऐड किया गया था, याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर, 51 क्लॉज ए के अंतर्गत। आगे बढ़ जाइए। नाउ विच अमेंडमेंट वेरिफिकेट द इस्टवाइल कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दो सेपरेट बॉडीज में बांट दिया गया था, 89th अमेंडमेंट 2003 में जो आया था उसमें, या 91st अमेंडमेंट में, या 96th अमेंडमेंट में, या फिर 99th अमेंडमेंट में? सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए आप सभी। हाय हेलो, वेरी गुड, इट्स 89th अमेंडमेंट एक्ट, बहुत अच्छे। हाँ बेटा शुभम, ना 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बारे में बात करें, 89th अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में बिफ्रिकेट किया है, इस पर कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को बनाया गया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल टाइप को बनाया गया, दो अलग सेपरेट बॉडीज बनाई गई ताकि अगर कभी भी कहीं भी शेड्यूल कास्ट को कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, तो सीधे कहाँ जाएंगे भैया, ट्राइब अपने चली जाएंगी, अपने नेशनल कमीशन के पास जाएंगी। शेड्यूल ट्राइब्स के साथ भी उनके लिए एक अलग कमीशन बनाई गई है, तो उनको अगर कोई तकलीफ होती तो उधर चली जाएंगी। अधेश बोलिए 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 ना, विच कमिटी ने एग्जामिन किया था एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, किस कमिटी ने इसका रिपोर्ट जो था वो जारी किया था, बताइएगा फटाफट। आप न्यूज चैनल में एंकरिंग कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। ओके डन, शुभ बेटा सवाल एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी, कमेंट जो है बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं, बस आपका ये वाला कमेंट मुझे भी दिखा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, पब्लिक अकाउंट कमिटी, राइट, चलिए आगे बढ़िए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट कैन बी पार्लियामेंट्री फॉर्म कैन हैव, अब मैं जल्दी जल्दी कराते हैं, एक्सप्लेन कराएंगे, टाइम आपका जाएगा ज्यादा, तो जल्दी से करते जाइए, पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दी जाएगी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो कि पार्लियामेंट्री फोरम में हो सकता है, बस गौरव थोड़ी देर और है। अरे नीलमणि, तुम मेरा इंस्टा आईडी कहाँ से ढूंढ के लेके आ गए हो? हाँ जी, चलिए, तीन होते हैं जिसमें से एक्सक्लूड किया जाता है प्रेसिडेंट को, को प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को। आगे बढ़िए, कौन डिसाइड करता है सैलरी कितनी देनी है, अलाउंस, क्या क्या प्रिविलेजेस, क्या क्या सहूलियत मिलेगी, लीव और पेंशन जो होती है, जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको कितना हॉलीडे मिलेगा, कितना प्रिविलेज मिलेगा, उनको वर्ल्ड टूर करने की आज़ादी होती है, रेलवे एयर टिकट के खर्चे उनके लिए आज़ाद होते हैं, भारत में कहीं भी किसी भी जगह में जा रहे हैं तो उनको 1 रुपए का खर्च नहीं करना पड़ेगा उनके और उनकी फैमिली को, सैलरी उनकी कितनी होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? अभी अभी उस सैलरी को रिवाइज भी किया गया कुछ वक्त पहले ही उसे। वेरी गुड, इट्स पार्लियामेंट जो इसको डिसाइड करती है और चेंज नहीं किया जा सकता है अपनी अपनी मर्जी से। अब बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इट्स नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बताओ इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, फेरिनिक्स या फिर स्पेलिंग, विच वन? जल्दी 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 जल्दी, हरिओम मौर्य बोलिए।
प्यारे प्यारे से बच्चे हो आप लोग। सो शुभम मंडल, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो? ओके, डिसीजन चाहिए था कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट एलएलबी कर सकते हैं। हाँ अनस, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल आप एलएलबी कर सकते हैं। इवन आपके लिए प्रॉफिटेबल भी होगा क्योंकि आपने बिजनेस स्टडी पहले से पढ़ रखी है, आपने इकोनॉमिक्स पहले से पढ़ रखी है, जो कि आपके एलएलबी में काम आएगी फर्स्ट सेकेंड ईयर के टाइम पे ऑलमोस्ट। हाँ राहुल, बस करना पड़ रहा है ना बच्चा, क्या कर सकते हैं बताइए। कहते हैं कोई भी पोजीशन पे जब आप बैठते हैं तो पोजीशन आसान नहीं होती, लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही, वैसे अच्छा लगा। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो बहुत सपोर्टिव हैं आपके जैसे राहुल, फेल्ट नाइस। चलिए स्प्रिंग जो है, ये जो है भैया सपोर्टिंग सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं बॉडी में, इम्यून सिस्टम में फिल्टर करते हैं ब्लड को, राइट। अब मुझे ये बताइए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स यू कैन फाइंड लेगमोग्लोबिन, बताइएगा। लेग हेमोग्लोबिन जो है पाया जाता है वीट में, सोयाबीन में, पोटैटो में या फिर ब्रिंजल में। हाँ जी सचिन बेटा, हिंदी में भी लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, आप देखिए तो सही। दैट्स ग्रेट शुभम। क्यों नहीं बन सकते इंजीनियर भैया? हाँ सही बात, सोयाबीन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। जल्दी आगे बढ़ो। कौन सा पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी का स्टोर करता है ग्लूकोजीन, जो है उसको स्टोर करता है? लिवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास या फिर स्किन, विच वन? अच्छा लगता है तुम लोग जवाब देते हो ना, आते हो जब जवाब देते हो आके, तो अच्छा लगता है तुम्हें कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, खुशी महसूस होती है। क्लास को लाइक नहीं किया जा रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे? जल्दी से लाइक कर दीजिए। वेरी गुड, इट्स लिवर। आगे बढ़ो। विच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ रूट्स आर फाउंड इन शुगर केन, किस टाइप का भैया रूट जो है वो मिलता है कहाँ पे? गन्ने में। प्रॉप रूट्स, स्लेट रूट्स, फेनोमेटोपस या फिर नोडुलस रूट, विच वन? बेटा लाइव क्लास अभी चल रही है और ऐसे डेली आपकी जो लाइव क्लास चलती है वो अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड पे चलती है। सुबह के 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें हम जियोपॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? यस, स्लेट रूट्स, वेरी गुड। अराइज होता है यार, तुम लोग देखे नहीं हो गन्ने के खेतों में? नहीं देखे उसको, गन्ने के जो खेत होते हैं, फिर आपके इसका मकई के जो खेत होते हैं, एक टाइप के स्टीम जो होते हैं पेनिट्रेट करते हैं नीचे सॉइल में। चलिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स ह्यूमन बॉडी में, असल सच में कितनी रिब्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? 12, 14, 16 या फिर 18? अच्छा ठीक है, ओके बेटा, अगली बार से लिख देंगे। शाहिद खान, मनीष राणा, अच्छा ओके। हाँ बच्चा, करंट अफेयर्स ही पढ़ाते हैं तो आप लोग करंट अफेयर्स की वहां पे क्लासेस जो है मिल जाया करेंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टोटल कितने बाबू? टोटल देख लो यहाँ पे 24 रिब होते हैं, 12 पैर होते हैं, आउट ऑफ 14 जो होते हैं 7 पैर जो है ट्रू रिब्स। वेरी गुड। नाउ द वेब ऑफ द स्पाइडर इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मकड़ी का जाला देखा है कितना भयंकर होता है? हाँ अब बताओ किस चीज से बना होता है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स, प्रोटीन, लिप्स या फिर पॉलीसेकेराइड्स? खन्ने के दे पुतला होता है। गुड वन। सेशन को लाइक कीजिए जल्दी जल्दी और शेयर कीजिए। यार एक तुम लोग क्या सिक्के में लिख रहे हो यार, कहाँ हो तुम लोग अभी तक? क्लास डेली होती है अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड चैनल के ऊपर, और यहाँ पे वाईफाई स्टडी पे आपकी क्लास संडे को रोज, मतलब हर संडे को 2 बजे लगेगी। करंट अफेयर्स बेटा पढ़ाते हैं अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के चैनल के ऊपर। इट्स प्रोटीन, स्पाइडर यूजेस सिल्क टू मेक वेब एंड स्पाइडर सिल्क इज मेड आउट ऑफ व्हाट? प्रोटीन। नाउ अगर जेनेटिक की बात करेंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है हेल्प करती है किस टाइप के ट्रांसक्रिप्शन में?
क्या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए कर देती है, क्या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए कर देती है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए कर देती है? जवाब जल्दी जल्दी। अच्छा शुभम, ओके। तुम लोग को तुम नहीं सुनने वाले हो ना, जरा सा नहीं, तक मैम को थोड़ा अप्रिशिएट कर दे, सेशन को एक बार लाइक कर दे, है ना। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होती है डबल स्टैंडर्ड आरएनए में। फटाफट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फॉर्म्स एन एंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन विद रूट ऑफ लेगम्स दैट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन? जवाब जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, कुछ बच्चे एकदम जवाब दिए जा रहे थे, दिए जा रहे। राम राम बिट्टू, गर्लफ्रेंड लाइक नहीं करने दे रही। अच्छा ओके, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द एडल्ट ह्यूमन स्टेम सेल? क्या है भैया, लिवर, बोन मैरो, ब्रेन या फिर मेडुला? विच वन? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोन मैरो। आगे बढ़िए। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन ई? किसी भी फूड का विच इज नॉट अंडरगॉन द प्रायर प्रिपरेशन ऑफ विटामिन फोर्टिफिकेशन? वीट जर्म ऑयल, राइस जर्म ऑयल या फिर ओट ब्रान ऑयल या फिर सनफ्लावर का तेल? थैंक यू शुभम। हाँ राहुल, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा। हाँ मोहित, तो एक्चुअली आपके घर पे भी जो था ना वो भी मैंने उठा लिया, मैंने कहा छोड़ो यार दे दो। इसीलिए देखिए आप, एक्सेप्ट फ्रॉम द जम ऑफ द बीच कैनल व्हिच मेक्स अप ओनली 2.5% बाय द वेट ऑफ कैरवेल एंड द हाईएस्ट विटामिन ई का। बोटनी का फादर किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, ग्योर्गे रोमन, थियोफर्टस या फिर कार्ल? कार्ल। बिल्कुल कर सकते हैं सचिन। एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़ो। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय अ वायरस? इनमें से कौन सा डिजीज जो होता है वो वायरस की वजह से नहीं होता? यार मेरा वो हालत जो हुआ था ना, 2 महीने, 1.5-2 महीने पहले की बात है, मैं आप लोग की क्लास भी ले रही थी, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे, आपको नहीं पता है लेकिन अन अकेडमी डिफेंस स्क्वाड के चैनल पर, बाकी चैनल पर मैं क्लास दे रही थी और मुझे उस टाइम पे कोरोना हो गया था, मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी। एट द सेम टाइम कुछ बाद मुझे चिकन पॉक्स भी हो गया और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कराना था मुझे, 1 हफ्ते के अंदर मैंने वापस आप लोग की क्लास ऑन की थी। मुझे स्टिल नाउ याद है, जब पढ़ाते पढ़ाते मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था क्योंकि कोविड की वजह से, कोविड के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, और बच्चे इतने अच्छे से प्रे कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, कुछ लोग फास्ट रख रहे थे, तो आप लोग का जो साथ है ना, यही कहीं ना कहीं हिम्मत बनता है। कई बार नहीं, हमेशा अगर मैं कहूँ तो यही हिम्मत बनता है। शुभम एक काम कीजिएगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, एक काम कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। वेरी वेरी गुड, इट्स क्लोरा, वेरी गुड। अरे सचिन आगे बढ़िए। स्किन वर्क एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? किसमें स्किन जो होता है सांस लेने के रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है? किस जानवर में? कॉकरोच जानवर नहीं है यार, किस बोल सकते हो, काइंड ऑफ कॉकरोच, फ्रॉग, वेल या फिर डॉगफिश? अरे ना ना मोहित, बिल्कुल भी नहीं। अनस शुक्रिया, पार्थ शुक्रिया,
वेरी वेरी गुड, इट्स फ्रॉग। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है यार फ्रॉगों के ऊपर ही, पता है ना तुम लोगों को, हर एक्सपेरिमेंट जो होता है बेचारे फ्रॉग के ऊपर परफॉर्म कर दिया जाता है, हर एक एक्सपेरिमेंट। अगर जिम्नोस्पर्म के सीड्स के बारे में बात करेंगे तो दे आर ऑलवेज नेक्ड, दे आर ऑलवेज कवर्ड, नेक्ड इन सम एंड कवर्ड इन अदर, राइट, ऑलवेज नेकेड। नाउ आगे बढ़ो, बेरीबेरी इज अ रिजल्ट ऑफ द डिफिशियंसी जो होता है, किस प्रकार की डिफिशियंसी होती है जिसकी वजह से बेरीबेरी जो होता है उसकी वजह से होता है, बताइए जवाब। सही सही, अच्छा फ्रॉग वाला सवाल चला गया, दूसरा जवाब आप लोग को देना है। कोई बात नहीं अवधेश शर्मा, कोई बात नहीं है, अरे SRP एंडलेस, तुम लोग हो इतने प्यारे, तुम लोग प्यारे हो, तुम लोग की वजह से हम हैं, बात वही है, विटामिन बी थायमिन। आगे बढ़िए, अ पर्सन डेवलप्स रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी शेल एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हाइड्रोबिट डायबिटीज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है शुभम, जैसी मर्जी आप कर लीजिए आराम से, मैं थोड़ा स्लो चलती हूँ, आप देख पा रहे हो मैं 86 नंबर पे ही हूँ, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं हमें। थैंक यू अभी, थैंक यू राघव, वेरी गुड, टाइप 2 डायबिटीज, वेरी गुड वेरी गुड, जीवम षणमुख बहुत अच्छे हैं। ना जवाब दीजिए, मेनिंजाइटिस जो है एक टाइप का डिजीज होता है जो कि कैरेक्टराइज किया गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज, अब इस कवरिंग को दैट लाई ओवर द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, किसकी वजह से कॉज होता है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, या फिर फंगी की वजह से। अरे आनंद शुक्रिया शुक्रिया, बैक्टीरिया। आगे बढ़िए, थैंक यू गौरव त्यागी, डेंगू जो होता है फाउंड के हो किया जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, वर्ल्ड इज अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज एंड कॉज्ड बाय व्हाट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या प्रोटोजोआ, कम ऑन इट्स वेरी सिंपल राइट, वायरस एक होता है डेंगू फॉर ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल एरिया में, है ना, बॉर्न डिजीज होता है। अमंग ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ग्लूटीन एंड कोलेजिन, कौन सा प्रोटीन जो होता है एबरेंट मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है एग्स में, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चलिए एल्बिनिन। आगे बढ़िए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एरोमेटिक ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द ट्री, ब्लैक पेपर, क्लोव, क्यूमिन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सेशन पता है यार तुम लोग एक बात बताओ, ये जो लोग डिसलाइक करते हैं तुम लोग उनको करारा जवाब नहीं दे सकते हो, हाँ तुम लोग लाइक करके उनको जवाब दो, हो गई बात खत्म, मैम इतनी मेहनत से पढ़ा रही है लेकिन नहीं। क्लोव के बारे में बात कर रहे हो, मैं ड्राइड फ्लावर जो बहुत होता है ट्री का, क्लोव, तुम लोग को जब खांसी वासी थी मम्मी कैसे बोलती है कि बेटा मुंह में लौंग रख लो, खांसी नहीं होगी तुमको, है ना, समझ लो रुक जाएगी, जब मीटिंग में होते हैं जनरली मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मैं किसी मीटिंग में हूँ, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर हूँ, और या फिर अगर कोई केस की हो और उससे मेरी तबीयत बहुत खराब हो रखी हो तो मम्मा की वो बात याद रहती थी, तो अब चूंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मैं एक झट से मैंने लॉन्ग वॉन्ग रख लिया, उसके बोला चलो अभी खांसी जो होगी वो बंद हो जाएगी क्योंकि कॉन्फ्रेंस हॉल में आवाज जो होती है काफी जाती है, कर दिया लाइक, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, डिसलाइक वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। कविता कह रही, अरे कविता पहली ऐसी लड़की है जो मेरे पक्ष में बात कर रही है, क्या बात है यार नहीं, सबका सिलेक्शन होगा लेकिन बस पढ़ने वाली बात है कि पढ़ाई कर लो ढंग से यार। विच यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, अब बताइए, ये आ गए हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स के सवाल पे, हम लोग आ गए गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या लेके आई है उस पे आ जाते हैं, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह,
मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डिफेंस, कॉर्पोरेट अफेयर या फिर एक्सटर्नल अफेयर? अरे रॉक, वेरी गुड, इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत सप्ताह हम मनाएंगे। आगे बढ़िए, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का, स्वास्थ्य सूरज किरण मन की बात, क्या नाम है? अरे राहुल, सो स्वीट ऑफ यू, बच्चा इतना केयर करते ना कुछ बच्चे की, मतलब सच में आप लोग की वजह से मन कर जाता है कि यार नहीं पढ़ाएंगे, यार कुछ भी हो बच्चे हैं जिनको पढ़ने का मन करता है, फिक्र करते हो ना आप लोग तो अच्छा लगता है। हाँ बच्चा, अभी नाउ इट्स किरण, वेरी गुड, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट देना है, लॉन्च किया गया नया एक टोल फ्री नंबर जो है, हेल्पलाइन नंबर है दिया गया मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन के बारे में। मेंटल हेल्थ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चा, इसको आप लोग एक टैबू की तरह ट्रीट मत कीजिए। हर किसी के साथ सिचुएशन होते हैं जब आप लोग डाउन फील करते हैं, आप लोग लो फील करते हैं, कई बार कोई पास रहता नहीं है बात करने वाला, कोई समझाने वाला, जिस वजह से कई बार हम क्या होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो हम चीजों से बाहर नहीं निकल पाते हैं चाह के भी। उस सिचुएशन में आपको किसी की जरूरत होती है जिससे आप बात कर सके, जिससे आप कह सके अपनी बातों को, घबराने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजिकल आपको हेल्प चाहिए, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए, वो सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। आपको खुलने की जरूरत है, लोगों से बोलने की जरूरत है, घबराया नहीं जाता सिचुएशन से कभी भी। अरे क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? बताओ, विच स्टेट ने अनाउंस किया एक पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए? केरला, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर आसाम, किसने? हेलो हेलो हेलो, अरे शुभम, सो स्वीट, दैट्स ग्रेट, पेपर पात्र। यस एब्सोल्युटली राइट, बात करें तमिलनाडु के बारे में, जिसने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है न्यू इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को। इस पॉलिसी का एम था इंक्रीज कर देना स्ट्रेट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और आउटपुट को। आगे बढ़ जाओ, व्हाट इज द टारगेट, क्या रखा गया है फिक्स नंबर फॉर प्रधानमंत्री भारतीय जनसंधान केंद्र 2025 तक? कितनों का लक्ष्य रखा गया है भाई साहब, बता दीजिए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जन केंद्रों के लिए संख्या का लक्ष्य कितना रखा गया है? हम हमेशा दुआ करते हैं ना कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, और आपका जरूर सिलेक्शन होगा। लिखा है ना गीता में, कुरान में, हर जगह में इस चीज के बारे में मेंशन है कि अगर आप दिल से और अगर मेहनत से किस चीज की तरफ अगर आप पढ़ते हैं तो ऊपर वाला हमेशा आपकी मदद करता है, और हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ हैं। और याद है ना, सब्र में फतेह होती है। वेरी गुड, कुछ बच्चों को फटाफट जवाब देते हैं, बहुत अच्छे। इन विच स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ताकि देंगे काउ को, फैमिलीज को, मैनेशन चिल्ड्रन को, बताइए, गाय देंगे परिवारों को? गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? बेटा कोलकाता से रत्नेश, हर हर महादेव। शुक्रिया राहुल, वेरी गुड, इट्स यूपी ने कहा है कि भैया हम देंगे, गाय देंगे, जितनी भी फैमिलीज है माल न्यूट्रिशन, अपने कुपोषण का शिकार हो रहे बच्चे, वहां पे खाने पीने का नहीं है, तो उनको क्या करेंगे हम लोग, देंगे, गाय प्रदान करेंगे। किस नेशनल स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली सैंक्शन किया है 660 इलेक्ट्रिक बसेस महाराष्ट्र में, गोवा में और चंडीगढ़ में? तुम देख लेना, आने वाला जो वक्त होगा वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही होगा। जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ओपेक कंट्रीज जो हैं, इन्होंने लास्ट ईयर जो काम किया था उसके बाद से इस साल तक, जैसे यूएई भी इसके साथ अभी काफी मुद्दे पे, बहस वाले मुद्दे पे चल रही है। शुक्रिया निमेश, कर्म करो फल की चिंता मत करो, सही बात है। और अगर कोई कर्म करते हो तो उसको जताओ मत। अगर तुमने किसी को दान दिया, तुमने किसी की मदद की, तुमने किसी के लिए अच्छा किया, जिस पल आपने जता दिया उस वक्त ही आपने अपना फल ले लिया। जताइए मत, अगर किसी के लिए आप कुछ करते हैं, किसी के लिए कुछ आप अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, ऊपर वाला है ना वो सब देख रहा है बेटा, चिंता की जरूरत नहीं है।
एब्सोल्युटली राइट, इट्स फेम। 660 भैया जो बसेस हैं महाराष्ट्र में, गोवा में और चंडीगढ़ में लाई गई हैं किसके तहत? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, बोले तो फेम स्कीम के तहत। ओके आगे बढ़िए। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द ट्रेफेड एंड आईआईटी कानपुर एंड छत्तीसगढ़ एमएफईपी फेडरेशन के द्वारा? इनक्रेडिबल ट्राइबल्स, टेक फॉर ट्राइबल्स, ट्राइबल ट्रस्ट या फिर ट्राइबल लीडर्स? सौरभ यादव थैंक यू। रिंकू कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, क्यों क्या हो गया? बहुत टाइम हो गया मैम, अब आप आराम कर लो। हाँ बच्चा बस आप लोग का ये कंप्लीट करा दूं, आप लोग को किसी तरीके से सही सही आप लोग एग्जाम में देखो तुम लोग का सिलेक्शन हो जाए, क्या दिक्कत पड़ता है? फिर मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी कि मैंने इतने देर में बैठी, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरी मेहनत जो हो गई भैया ये सफल हो गई है ना। टीच टेक फॉर ट्राइबल के बारे में आपको पता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट बहुत चला रही है। अभी आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव को, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल डेवलपमेंट की योजना दी जाएंगी। देखो क्या है ना, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम कहीं भी कमा खा लोगे अगर स्किल है तुम्हारे पास तो। आ जाइए इधर, नाम क्या है स्कीम का जो कल्चर मिनिस्ट्री लेके आई है, विच प्रोवाइड ग्रांट टू होल्ड कल्चरल प्रोग्राम विथ लार्ज ऑडियंस? कला संस्कृति विकास योजना, प्रधानमंत्री कला प्रकाश योजना, संस्कृति महायोजना या कल्चरल प्रोग्राम प्रमोशन प्रोग्राम, क्या? हाँ बच्चा शुभम, हाँ बेटा नेवर गिव अप। आपके सबके लिए आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल बनते हैं, आप देख पा रहे हो किस तरीके से कॉम्बिनेशन क्या हुआ है जीके और जीएस का। कल्चर मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इश्यू किया है गाइडलाइन होल्ड करने के लिए इवेंट ऑनलाइन मोड में। आगे बढ़िए, इन्फ्यूजर और सलम जो है जो कि न्यूज में थे रिसेंटली, वो एसोसिएट करते हैं किस फील्ड से? डिफेंस से, एनवायरमेंट से, एजुकेशन से या फिर कल्चर से, किसमें से? ओके अगले संडे से खड़े को पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल एग्जाम नहीं है, आप आराम कर लो। अरे रॉक शुक्रिया। कोई बात नहीं, लॉकडाउन में सब भूल गए तो मैं हूं ना याद दिलाने के लिए, इतना रिवीजन करा दूंगी कि अचानक से तुमको फिर सब याद आना शुरू हो जाएगा। एनवायरमेंट राइट। आगे बढ़िए, किस डिस्ट्रिक्ट ने बैग किया है टॉप पोजीशन इंप्लीमेंट करने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को? मंडी, गांधीनगर, इंदौर या फिर ग्वालियर? किसने भैया लागू किया है और शीर्ष स्थान पर है लागू करने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को? सेशन को बेटा एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट आप लोग। एग्जैक्टली इट्स मंडी है ना, जो कि कहां पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। टॉप नंबर पे किया है, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना को। आगे बढ़िए, किस स्टेट ने विच स्टेट कम आउट विद द न्यू हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी के साथ? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? जल्दी 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 जल्दी, अरे वाह 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 इट्स गुजरात। चलिए आगे बढ़िए फटाफट, किस यूनियन मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज किया है चरखे पे चर्चा वेबिनार को, जो कि गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे लाया गया था? चरखे पर चर्चा को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड कम्युनिकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने? विच वन? अनिमेश बेटा आर एकेडमी डिफेंस स्क्वाड पे 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रही थी, कल से आपकी क्लास जो है ऑलमोस्ट कंटिन्यू कर दी जाएगी आर एकेडमी डिफेंस स्क्वाड चैनल पे रोज। बफरिंग हो रही है, इतनी हिमाकत कैसे हो गई बफरिंग की कि बफरिंग हो रही है? कोई बात नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। किस
राज्य ने लॉन्च किया है डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम को? एमपी ने, गुजरात ने, आसाम ने या फिर उत्तराखंड ने? किसने? शुभम मंडल मैं बहुत हार्ड होते जा रहे क्वेश्चंस। नहीं बेटा आसानी, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली राइट, बी गुजरात। अगेन डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया गया रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में जा के अंदर अंदर जितने भी रूरल एरियाज हैं, ताकि सब तक प्रोग्राम की सुविधा जो है सब तक पहुंच पाए। नाउ नाम क्या है स्कीम का जो लॉन्च किया गया था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा? चलो 6 क्वेश्चन सॉल्व करा के आज की सेशन को बंद कर देंगे। ओके बताइए, टू असिस्ट द कोऑपरेटिव इन द क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, आयुष्मान सहकार, आयुष्मान समृद्धि, आरोग्य सेवा कर या फिर कॉर्प इंफ्रा फंड? गजब बच्चे ने बड़ा जल्दी जवाब दिए जा रहे, आयुष्मान सहकार। अच्छा लगता है मुझे जवाब देते हो तब। किस स्टेट ने गॉट एसिलेटेड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी फॉर नर्चिंग हाईटेक स्टार्टअप, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? अरे सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सब जल्दी भी सही होगा, डोंट वरी। केरला के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आगे बढ़िए। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन जो कि लॉन्च किया गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, पिछले साल दिवाली में लॉन्च किया गया था, लोकल फॉर वोकल, इंडिया टू सेलिब्रेट, लोकल फॉर दिवाली या बाय इंडिया? काफी न्यूज में और एड में भी काफी दे रहा था, है ना, लोकल फॉर दिवाली। लोकल से आप लोग कपड़े खरीदिए ज्यादातर, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि आप लोग शोरूम से खरीद रहे हैं, उस तरीके से जो लोकल लोग हैं, जैसे दिए भी कई बार क्या होता है आप लोग रिप्लेस कर देते हैं, बल्ब खरीद लेते हो, दिए को रिप्लेस कर देते हो, जबकि कुम्हार जो है वो बेचारे हर साल दिए बनाते हैं, दिए की चमक फीकी पड़ गई है। खरीदिए, लोकल से खरीदिए, लोगों तक पहुंचाइए चीजों को, ताकि सबके पास पैसा पहुंचे। नाउ व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर्स की, मुख्यमंत्री के लिए ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना किसने शुरू की है? गुजरात ने, एमपी ने, महाराष्ट्र ने या फिर बिहार ने? वीडियो लैग कर रहा है क्या? चलिए 2 सवाल और फिर खत्म कर देते हैं इसको। किस यूनियन स्टेट ने लॉन्च किया है एप्लीकेशन जिसका नाम था स्वेच्छा समाधान फार्मर के लिए? ओके लैग हो रहा है बहुत ज्यादा, सेशन को यहीं पे खत्म कर देते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लैग हो रही है और सही तरीके से शायद आ नहीं रही है। थैंक यू एवरीवन, चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहां पे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, बेल बटन को आप लोग हिट कर दीजिएगा, ताकि जितने भी क्लास के नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आप लोग को कैसा लगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो सेशन को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, और बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोग बहुत देर तक साथ आप लोगों ने अपना बनाए रखा, हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे। बहुत सारे बच्चे थे इसमें जो पढ़ने वाले थे, जो बहुत सपोर्ट किए, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं।